स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके थैंक यू। ओके गाइस, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर टू का पेपर। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, इको ऑनर्स सेमेस्टर टू। वेलकम एवरीवन सेमेस्टर टू के अंदर में। और जो आज से क्लास में हम लोग जिस पेपर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, डेट इज इंटरमीडिएट स्टेट्स। प्लीज प्लीज सारे के सारे अपने वेबकैम ऑन करना चाहते हो कर सकते हो, बट हेलो प्लीज माइक ऑफ कर हेलो लो। कनिष्का, आई होप आपके माइक ऑन है। ओके सो देखते हैं। तो हमारा जो आज का पेपर है वो है इंटरमीडिएट स्टेट्स। इंट्रोडक्टरी स्टेट्स आपने सेमेस्टर वन में पढ़ लिया है, और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट स्टेट्स। ओके सो थोड़ा सा अगर मैं आइडिया दूं आपका, जो कि आपको पहले से पता है, जो टोटल मार्क्स है इस पेपर के लिए, कोर पेपर आपका, जो टोटल मार्क्स है इस पेपर का, डेट इज 160, जिसके अंदर में इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका इंटरनल का मार्क्स है और एक है आपका एक्सटर्नल का मार्क्स। इंटरनल आपके 70 मार्क्स के और एक्सटर्नल आपके आई थिंक 90 मार्क्स के। तो पहले का सिनेरियो अगर होता, जो 75 एंड 25 का रेशियो था, तब तो मैं बोलता कि एक्सटर्नल पे फोकस करो, इंटरनल को जाने दो, इंटरनल को जैसे मन तैसे करो, बाकी एक्सटर्नल पे अच्छे से फोकस करो। लेकिन सिंस अब आपको रेशियो साफ साफ दिख रहा होगा, ये एक तरीके से 55-45 का रेशियो है, तो मेरा जो आपके पास सजेशन है, दैट इज कि आप इंटरनल पे भी फोकस करो और एक्सटर्नल पे भी फोकस करो, और ज्यादा इंटरनल पे फोकस करो, क्योंकि इंटरनल के मार्क्स कभी दोबारा से चेंज नहीं हो सकते। एक्सटर्नल तो चेंज हो भी पाएगा, बट इंटरनल चेंज नहीं हो सकते। तो जो भी बच्चा सेमेस्टर वन में कॉलेज में अपसेंट करता था या फिर कोई भी टेस्ट वेस्ट नहीं ज्वाइन करता था, प्लीज सारे के सारे ज्वाइन कर लो, क्योंकि इंटरनल के मार्क्स कभी आपके चेंज नहीं होने वाले। ओके क्या प्लीज सारे सारे नहीं अपने माइक को ऑफ कर लेना प्लीज। तो हम लोग पहले आप बेसिकली, तो आई होप आपको ये टोटल मार्क्स का कंसेप्ट जो वो समझ में आ चुका होगा। अब जो है इंटरमीडिएट स्टेट्स का जो पेपर है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा 5 मिनट आपको इसके सिलेबस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि बेसिकली आपको क्या सब पढ़ना है और कौन से बुक से पढ़ना है और कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें। ओके तो अगर थोड़ा सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो टोटल 4 यूनिट के अंदर में आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है। यूनिट नंबर वन, यूनिट नंबर टू, यूनिट नंबर थ्री एंड चौथा यूनिट है आपके पास यूनिट नंबर फोर। मैं अगेन बोल रहा हूँ, जो जो अनम्यूट है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। चलो ठीक है, जो यूनिट नंबर वन में आपको पढ़ना है, डेट इज टॉपिक का नाम है सैम्पलिंग। तो सिंस अब सैम्पलिंग इंट्रोड्यूस कर आ चुका है आपके सिविल सिलेबस में, तो पॉपुलेशन का जो नोटेशन होता है एंड जो सैम्पलिंग का नोटेशन होता है, ये अब आपको पेपर में अच्छे से ध्यान से यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज अब मार्क्स कटेंगे। सेमेस्टर वन में ऐसा कंसेप्ट नहीं था। सेमेस्टर वन में अगर आप थोड़ा सा सिंबल में या फिर नोटेशन में थोड़ा इधर उधर भी कर देते तो मार्क्स मिलता, बट यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सिंस अब आपके सिलेबस के अंदर में सैम्पलिंग भी इंट्रोड्यूस कर चुका है, तो आपको पॉपुलेशन का क्या सब नोटेशन है एंड सैम्पलिंग का क्या सब नोटेशन है, ये भी शुरुआत से अच्छे से पढ़कर चलना होगा। इसके बाद जो यूनिट नंबर टू में आपको पढ़ना है, डेट इज एस्टिमेशन। थर्ड वन जो यूनिट नंबर थ्री में आपको पढ़ना है, डेट इज इन्फ्रेंस। और यूनिट नंबर फोर में जो आपको पढ़ना है, डेट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यूनिट नंबर आपका टू एंड यूनिट नंबर आपका फोर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेयर टू यूनिट नंबर वन एंड यूनिट नंबर थ्री से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं आपके इकोनॉमिक्स रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो ये है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्योंकि इसी के बेस्ड पे जब आप सेमेस्टर फोर में इकोनॉमेट्रिक्स का पेपर पढ़ोगे, जहां पे आप मॉडलिंग वगैरह सीखोगे, तो आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ही यूज करना पड़ेगा। वैसे तो पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर फोर। अगेन अभी भी कुछ बच्चे जो है बेसिकली अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। चलिए
तो थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो जो आपका सैम्पलिंग है ये एग्जाम में 20 मार्क्स के क्वेश्चन कैरी करेंगे। ऑब्वियसली ये जो है पूरा फिक्स्ड नहीं है, ये अनसर्टेन है, थोड़ा चेंज हो सकता है। यूनिट नंबर टू जो एस्टिमेशन है, यहाँ से आपके पास 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यूनिट इनकमिंग नंबर थ्री जो इन्फ्रेंस है, यहाँ से आपके पास 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एंड यूनिट नंबर फोर जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, यहाँ से आपके पास अगेन 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से भी पता चल रहा है कि जो यूनिट नंबर टू एंड फोर है आपका वो इम्पोर्टेंट है। इन सभी यूनिट के लिए आपको सेम जो सेमेस्टर वन में आपने एक बुक फॉलो की हुई थी, इस साल भी आपके पास सेम वही जेएल डिबोर को आपको फॉलो करना है। अगर आप जेएल डिबोर अच्छे से कर लेते हो तो कहने का मतलब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो। सिलेबस को लेकर या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर किसी भी तरीके का किसी को डाउट है तो अपना हैंड को रेज कर सकता है और पूछ सकता है एनीवन। एक समान चुन के तो कोई है तरीके जिसको डाउट है एनीवन? सब कुछ समझ में आ गया? तो बेसिकली ये हमारा इंटरमीडिएट स्टैट्स का पेपर है। सिलेबस कुछ इस तरीके से 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। यस कलिक्स, बताओ क्या डाउट है आपका? सर, एक बार आप ऊपर की स्लाइड दिखा दीजिए। बिल्कुल ओके सर। ठीक है। तो टोटली 4 यूनिट में आपके पास डिवाइडेड है। और अगर मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दूं तो आपके जो बाकी के पेपर है एमएनई एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, उससे थोड़ा सा ये पेपर इजी है। इजी इन द सेंस कि ये पेपर में जो टॉपिक है वो लिमिटेड टॉपिक है, लेकिन टॉपिक से जो बनने वाले क्वेश्चन है वो अलग अलग हो सकते हैं, बट टॉपिक लिमिटेड है। आपको ज्यादा टाइम टॉपिक को पढ़ने में नहीं देना है। स्टैट्स के सिलेबस में आपको ज्यादा टाइम किस में देना है? तो स्टैट्स के जो टॉपिक आप पढ़ोगे उस पे बनने वाला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन जो बनेंगे उसके प्रैक्टिस पे आपको ज्यादा टाइम देना है। जैसे आपने सेमेस्टर वन में जो स्टैट्स पढ़ा था वो बहुत वास्ट था, कई सारे टॉपिक थे, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन था और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के फिर क्वेश्चन थे, तो वहां पे कई सारे टॉपिक थे। यहाँ पे टॉपिक लिमिटेड है बट टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन कई सारे हैं जो कि आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस अच्छे से करना है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप अच्छा स्कोर करोगे पेपर के अंदर। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज यूनिट नंबर वन हमारा सैम्पलिंग, जो कि 20 मार्क्स के लिए पेपर के लिए होगा। बाकी इंटरनल में जो पूछा जाए वो तो कॉलेज के प्रोफेसर की मर्जी होती है। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज यूनिट नंबर वन सैम्पलिंग। आपके थोड़ा सा हैप्पीनेस के लिए मैं बता दूं कि चारों यूनिट में से सबसे ज्यादा इन कंपेयर टू टफनेस के कंपेयर में मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो इजी है वो है सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग याद है क्लास 12th में जब आप मैथ पढ़ते थे ना तो एक टॉपिक था हमारे पास मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। वो टॉपिक ना आई होप लगभग बच्चों को सबसे ज्यादा हल्का लगता था। क्यों? क्योंकि उसमें ना बस आपको न्यूमेरिकल मतलब सॉल्व करना है, वो प्रोसेस लेंथी होता था, आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना होता था, बट आपको आइडिया होता था कि सारे क्वेश्चन में करना क्या है, किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है और किस तरीके से आंसर निकालना है। अगर आप कैलकुलेशन सही करोगे तो आपका आंसर सही होगा ही होगा। सेम सैम्पलिंग का कंसेप्ट है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करना है, बाकी जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो बिल्कुल सेम होता है, एक ही जैसा क्वेश्चन होता है। और सिंस ये 20 मार्क्स में आता है तो लगभग ऐसा देखा गया है कि सैम्पलिंग का क्वेश्चन कोई बच्चा छोड़ता नहीं। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना और 20 मार्क्स अच्छे तरीके से सिक्योर कर लेना। अब आते हैं हम लोग सैम्पलिंग के ऊपर। किसी को कुछ पूछना? सर मैं ये पूछ रही थी कि जो इस बार जैसे स्टेट्स का एग्जाम हुआ था तो उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस काफी कम थे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, तो ओके काफी टफ भी इस बार था पेपर। तो सर सिर्फ जेएल डिवोर कर लेंगे तो लाइक मतलब हो जाएगा? हाँ बिल्कुल 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 हो जाएगा। जेएल डिबोर, अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न देखोगे तो जेएल डिबोर से, आपने जेएल डिबोर सॉल्व किया था अच्छे से पूरा? नो सर। हाँ, तो जेएल डिबोर का ही पैटर्न होता है। जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था उसमें आपको बस एक सिनेरियो बताया गया था, बाकी करना तो उसमें सॉल्व ही है, करना तो आपको सब न्यूमेरिकल ही था उसमें। बट हाँ थोड़ा सा पेपर लेंदी था इन कम्पेयर टू एमएमई एंड माइक्रो, आई एग्री, बट जरूरी नहीं है कि आप सेमेस्टर टू में भी ऐसा ही पेपर बन जाए। फिक्स वो होता है, अगर आपके दो पेपर अगर आपके अच्छे आए हैं तो एक पेपर थोड़ा सा टफ कर देता है कभी कभी, वो होता है कम से कम। तो अप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा इकोनॉमिक्स ऑनर्स में तो ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं, डीयू के अंदर में मैथ ऑनर्स से ज्यादा टफ इको ऑनर्स को कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैथ्स ऑनर्स में आपके पास एक न्यूमेरिकल फॉर्म में हर चीज होता है। यहाँ पे आपके पास जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, हर चीज एक एप्लीकेशन बेस्ड में आएगा। तो एप्लीकेशन को पहले पढ़ना है, फिर उससे आपको फिर एक बेसिकली फंक्शन को ड्राइव करना है, फिर जाके सॉल्व करना है। तो थोड़ा आपको एप्लीकेशन बेस्ड तो सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके क्लियर दीक्षा?
यस सर। चलो, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, हम लोग पढ़ने वाले थे सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग क्या होता है, तो सैम्पलिंग इज नथिंग बट इट इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। थोड़ा सा मैथ से रिलेट करूँ, तो मैथ में आपने क्या पढ़ा था, लेटर सपोज कोई एक ए सेट है, इसके कई सारे एलिमेंट है, और कोई बी सेट है, इसके भी कई सारे एलिमेंट है। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो इसका बेसिक क्या मतलब है कि बी के अंदर में जो भी एलिमेंट्स है वो ए से लिया गया है, मतलब ए के पास वो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे। सिमिलरली सबसेट ऑफ पॉपुलेशन का बेसिकली मतलब ये है कि सैम्पलिंग के पास जो भी डेटा होगा, अब मैं यहाँ ध्यान से देखो, लेटर सपोज ये पॉपुलेशन है जिसके अंदर में कई सारे डेटा है, मैंने क्या किया इसी डेटा में से कुछ डेटा उठाया और इसी को हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। एक बेसिक डेफिनेशन इसका ये होता है कि सैम्पलिंग इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर है सभी को? आई होप डेफिनेशन में किसी को डाउट नहीं हो कि सैम्पलिंग क्या होता है। आपने सेमेस्टर वन स्टैट्स में थोड़ा सा आइडिया इसको ले लिया होगा आपके पहले भी। चलते हैं, अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये तो समझ में आ गया सैम्पलिंग होता क्या है, बट व्हाई वी नीड सैम्पलिंग, हम लोग सैम्पलिंग क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, सैम्पलिंग का क्या कंसेप्ट है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ क्या लॉजिक है सैम्पलिंग का पढ़ने का, इसके कई सारे लॉजिक है। सबसे पहला लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है हमारे पास जो पॉपुलेशन डेटा होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, तो उस केस में हम लोग पॉपुलेशन को लेकर किसी भी पैरामीटर को एस्टिमेट अगर मुझे करना हो या कोई भी प्रिडिक्शन करना हो तो वो पॉसिबल नहीं होता। लेटर सपोज मेरे पास ना ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर कई सारे डेटा है, कई सारी पॉपुलेशन है पूरा का पूरा, अब मैं इसका यूज करके एक सिंगल फिगर में किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करूं, ये पॉसिबल नहीं होता। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉपुलेशन में से मैं कुछ डेटा को सिलेक्ट करता हूं जिसको मैं बाहर निकाल रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल, और इस सैंपल का यूज करके उसके बाद यहां से जो मेरे पास एक्सपेक्टेशन आएगा, जो भी प्रिडिक्शन आएगा, इस प्रिडिक्शन के हेल्प से मैं इस पॉपुलेशन की प्रिडिक्शन करूंगा, मतलब पॉपुलेशन किस तरीके से बिहेव करेगा मैं इस सैंपल के हेल्प से देखूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे घर में हम लोग कभी कभी चावल पकाते हैं, तो जब चावल पकाते हैं तो चावल पका है या नहीं पका है वो पूरे चावल को लेकर नहीं देखते, उसमें से मैं दो तीन दाना, दो चावल के दो तीन दाना उठाता हूँ, उसको टेस्ट करता हूँ या उसको चेक करता हूँ, अगर वो पका है तो हम लोग क्या करते हैं वो दो तीन दाना के हेल्प से वो पूरे चावल को प्रिडिक्ट करते हैं कि वो चावल पक चुका होगा। तो पहला लॉजिक तो ये है सैम्पलिंग का कि समटाइम्स हमारे पास डेटा बहुत बड़ा होता है, पॉपुलेशन डेटा, जिसको हम अच्छे तरीके से समराइज नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में हम उस पॉपुलेशन डेटा से सैंपल को कलेक्ट करते हैं और उस सैंपल से क्या करते हैं अपने पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर रहे होते हैं, बेसिकली आप प्रिडिक्ट बोल सकते हो कि प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। पहला कंसेप्ट तो ये हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है सैंपलिंग का, आप सैंपलिंग क्यों पढ़ते हैं। लेटर सपोज मैं एक और सिनेरियो देता हूँ कि अगर मान लो आपका एक पॉपुलेशन डेटा है वो फाइनाइट है, मतलब इतना है, लेट सपोज मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास ना एक मार्कर है, लेट सपोज ये मार्कर है और इस मार्कर की मुझे डिमांड चेक करनी है कि ओवरऑल पर ईयर इस मार्कर की डिमांड क्या हो रही है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, आप इस तरीके से सपोज करना कि 1990 में पहली बार ये मार्केट, बेसिकली जो मार्कर है ये मार्केट में आया हुआ था, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1990 में, आज है 2024, ओके, तो इतना टाइम गैप है। अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 34 ईयर, तो बेसिकली हमारे पास 34 34 डेटा अवेलेबल होंगे और आराम से हम लोग इस 34 डेटा से किसी भी तरीके का समरे मतलब मीन मीडियन मोड निकाल सकते हैं, बट अभी भी हम पॉपुलेशन का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो सबसे पहले एक सिनेरियो समझो, लेट अस सपोज आप एक इकोनॉमिस्ट हो, आपको ना 2025 में एक गिवन प्राइस पे, लेट अस सपोज ये प्राइस है पी इज इक्वल टू 10, तो इस गिवन प्राइस में 2025 में इस मार्कर की क्या डिमांड हो सकती है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बीइंग एन इकोनॉमिस्ट आपने ये देखा कि अगर मैं 1990 से लेकर 2024 तक हर एक साल दिए गए प्राइस पे, लेट अस सपोज कि प्राइस फिक्स था, 1990 में भी प्राइस 10 था एंड 2024 में भी प्राइस 10 है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा होगा, जब आप सेमेस्टर 4 में आओगे तो ये प्राइस भी आपका वेरी करेगा, उस टाइम पे आपको मॉडल बनाना पड़ेगा। अभी सिंपलिसिटी के लिए आप अज्यूम करो कि प्राइस 1990 से लेकर 2024 तक जो था वो फिक्स था, ओके। तो अब आपको क्या सोचना है कि बिंग एन इकोनॉमिक्स आपको 2025 में 10 रुपए पे मार्कर की कितनी डिमांड होगी वो आपको बताना है, सो डेट कि आप उसकी प्रोडक्शन कर सको। तो आप क्या करोगे, 1990 से लेकर 2024 तक मार्कर का हर एक साल कितना डिमांड हुआ है उसका एक एवरेज निकालने की कोशिश करोगे और उससे आप बताना चाहोगे कि 2025 में क्या होगा। बट अगर आप इस पूरे डेटा को कैरी करते हो उससे जो आपके पास ये एवरेज आएगा ना वो एक रॉन्ग एवरेज आ सकता है जिसमें एरर ज्यादा हो सकता है। क्यों हो सकता है,
क्योंकि 1990 से लेकर 2024 तक में बहुत सारा जनरेशन गैप है। लेट अस सपोज मैं इसको 3 जनरेशन गैप में डिवाइड कर देता हूँ, 1990 से लेकर 2000 तक, 2000 से लेकर 2010 तक, और 2010 से लेकर 2024 तक। अगर आप सभी एग्री करो, एक नॉर्मल सा अजम्पशन है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि 1990 से 2000, मतलब 2000 से पहले इस रेंज में जो हमारे इंडिया में एजुकेशन लेवल है वो थोड़ा सा कम था, लिटरेसी रेट है वो थोड़ा कम था, लोग पढ़ने लिखने पे कम ध्यान देते थे, बिजनेस या किसी और चीज पे ज्यादा ध्यान फोकस करते थे। तो अगर इस टाइम पे अगर एजुकेशन लेवल कम था, लोग पढ़ना लिखना कम करते थे, तो डैम श्योर है कि जो मार्कर की डिमांड हुई होगी इस टाइम पे वो कुछ कम रहा होगा। मान लेते हैं किसी ईयर में 10, किसी ईयर में 20, किसी ईयर में 30, कुछ इस तरीके का। फिर 2000 से लेकर 2010 में एजुकेशन का जो डिमांड है वो थोड़ा बढ़ा, तो मार्कर का भी डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। फिर 2010 से लेकर 2024 में आज ये सिनेरियो हो गया है कि लगभग इंडिया का हर एक पॉपुलेशन, हर एक पर्सन जो है वो पढ़ रहा है, और इवन टीचर से लेकर स्टूडेंट तक भी मार्कर के यूज को कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो डिमांड होगी वो बहुत हाई होगी। तो एक नॉर्मल लेता हूँ कि इनिशियली मार्कर का डिमांड 10, 20, 30 था, लास्ट के ईयर में मार्कर का डिमांड कुछ इस तरीके से होने लगा, 10,000, 15,000, 16,000, कुछ इस तरीके से। तो इस केस में अब 2025 के लिए अगर मुझे कोई डिमांड फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, रिसेंट ईयर जो रिसेंट जनरेशन का यूजेज है उसको माइंड पे लेकर चलना होगा। अगर मैं इस टोटल से एवरेज निकालूंगा तो जो कुछ एक्सट्रीम पॉइंट है 10, 20, ये सब ये मेरे एवरेज को क्या कर देगा, रॉन्ग कर देगा, मतलब तो एरर बहुत ज्यादा लेके आ जाएगा। तो समटाइम्स ये भी होता है कि हमारा पॉपुलेशन फाइनाइट तो होता है, लेकिन जनरेशन गैप के वजह से, टाइम डिपेंडेंट के वजह से हमें क्या करना होता है, रिसेंट डेटा का यूज करना होता है। तो उस रिसेंट डेटा को जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसको भी हम लोग सैम्पलिंग ही कहते हैं। तो सैम्पलिंग का दो अलग अलग ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि एक बार अगर पॉपुलेशन बहुत सारा हो, बहुत ह्यूज हो, तो उस टाइम पे हम लोग सैंपल के हेल्प से किसी भी डेटा को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, और अगर समटाइम्स अगर टाइम डिपेंडेंट डेटा हो या फिर किसी जनरेशन को डिपेंड करता हो डेटा, तो उस टाइम पे भी हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा डेटा उठाते हैं और उसको उसके हेल्प से प्रिडिक्ट करते हैं बाकी चीजों को। तो सैम्पलिंग क्यों यूज करते हैं, किसी को डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, एनीवन, किसी को डाउट, सबको समझ में आया? सर, क्या ये वीडियो YouTube पर अपलोड किया जाएगा? वो तो मैं देखूंगा, रिकॉर्ड वैसे तो मैं कर रहा हूँ, बाकी माइट भी अपलोड पे कर दूँ, बट दिस इज नॉट फिक्स टाइटल। तो किसी को डाउट है सैम्पलिंग में, एनीवन? तो कह रहे हैं, मतलब मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि सैम्पलिंग का क्या बेसिक मीनिंग क्या होता है और क्यों इसको यूज कर रहे हैं, ये आप सभी को पता चल गया हो। चलो बहुत बढ़िया, ओके आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं नोटेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि अब नोटेशन इंपॉर्टेंट है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ। लेट अस सपोज हमारे पास ये पॉपुलेशन डेटा है और यहाँ पे हमारे पास एक सैंपल डेटा है। सबसे पहले बात करते हैं साइज। तो पॉपुलेशन में हम लोग साइज को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, सैंपल में हम लोग साइज को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ, मीन। पॉपुलेशन में हम लोग मीन को म्यू से डिनोट करते हैं, दिस इज म्यू नॉट यू, दिस इज म्यू, म्यू से डिनोट करते हैं, जो कि हम कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में कैपिटल एन। सैंपल में हम लोग इसी मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग इस तरीके से फाइंड करते हैं, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में स्मॉल एन। समेशन ऑफ एक्स मतलब जो भी सैंपल का डेटा होगा, और डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब साइज ऑफ सैंपल। इसके बाद मीन के बाद अगर मैं वेरियंस की बात करूं, तो वेरियंस में पॉपुलेशन को हम लोग सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, जिसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स माइनस में म्यू का स्क्वायर ऑल डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, जो कि आपने सेमेस्टर वन स्टैट्स में पढ़ा होगा। जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है वो आप सेमेस्टर वन का मैंने रिविजन वीडियो भी डाल रखा है सर, वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। और अगर सैंपल की बात करूं, तो सैंपल में इसको हम लोग एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, एक्स माइनस में एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस वन। एन माइनस वन वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, इसका क्या कंसेप्ट है हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। वेरियंस के बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है प्रोपोर्शन। आई होप सबको पता हो प्रोपोर्शन क्या होता है, जस्ट लाइक अ परसेंटेज, जिसको हम लोग बस 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते। लेट अस सपोज अगर पूरे डीयू में 10,000 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट है, और मुझे एक राजधानी कॉलेज का देखना है कि राजधानी कॉलेज में कितना प्रोपोर्शन इकोनॉमिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट है, तो कुछ इस तरीके से निकालते हैं हम लोग। लेट अस सपोज डीयू में 10,000 बच्चा है और राजधानी कॉलेज में इको ऑनर्स का 1,000 बच्चा है,
तो अगर मुझे राजधानी कॉलेज का प्रोपोर्शन निकालना होगा तो 1000 अपॉन में 10000, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन। जब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो उसको बोल देंगे परसेंटेज, यही है प्रोपोर्शन का कंसेप्ट। तो प्रोपोर्शन को पॉपुलेशन से जब हम लोग रोटेट करते हैं तो कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज नथिंग बट एक्स अपॉन में एन। और जब मैं पॉपुलेशन को सैंपल में लेके चलूंगा तो जिसको मैं पी स्मॉल पी से डिनोट करूंगा, विच इज नथिंग बट एक्स अपॉन में स्मॉल। तो ये बेसिकली चार मेन इंपॉर्टेंट जो यूज होंगे आपके सिलेबस में, साइज, मीन, वेरियंस एंड प्रोपोर्शन। उसका पॉपुलेशन में नोटेशन क्या होगा एंड सैंपल में नोटेशन क्या होगा वो मैंने आपको बताया। यहां तक किसी को कोई डाउट? एनीवन? चलिए, अगर किसी को डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी किसी बुक में, जैसे आप जब जेएल डिवोर बुक ओपन करोगे या मिलर एंड मिलर ओपन करोगे या एससी गुप्ता ओपन करोगे, तो अलग अलग बुक में नोटेशन अलग अलग होता है। तो किसी किसी बुक में मीन को जो हमने एक्स बार से सैंपल में जो एक्स बार से हमने रिप्रेजेंट किया है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से म्यू हैट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी पॉपुलेशन पैरामीटर में अगर कोई हैट लग जाता है, इस हैट का मतलब होता है एस्टिमेटर। एक छोटा सा आपको मैं कंसेप्ट बताता हूँ। लेट अस सपोज पॉपुलेशन डेटा का जो मीन होगा वो म्यू होगा, और इस म्यू को मैं ना एक स्मॉल म्यू हैट से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज नथिंग बट अ मीन ऑफ सैंपल। मीन ऑफ सैंपल तो कहने का मतलब क्या कि आप क्या कर रहे हो, म्यू मतलब पॉपुलेशन और हैट लगा मतलब एस्टिमेटर। तो किसी पॉपुलेशन को आप उसके एस्टिमेटर से एस्टिमेट कर रहे हो, किसी पॉपुलेशन को उसके एस्टिमेटर से एस्टिमेट कर रहे हो, इसलिए आपने म्यू हैट लगा दिया और दिस इज नथिंग बट अ सैंपल मीन। तो समटाइम्स अगर आपके पॉपुलेशन वाले पैरामीटर में या पॉपुलेशन वाले सिंबल नोटेशन में हैट लगा हो तो आपको समझ जाना है कि वो एक सैंपल का नोटेशन है। अंडरस्टूड? किसी को डाउट है एनीवन? तो सिमिलरली अगर मैं वेरिएंस की बात करूं तो वेरिएंस को आपको कुछ इस तरीके से सिग्मा हैट का स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को स्मॉल, नॉट स्मॉल, कैपिटल पी हैट से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल पी हैट। तो एनीवन, किसी को डाउट है सैंपलिंग में जो मैंने अभी नोटेशन बताया है, किसी कुछ पूछना है? क्लियर है सभी को? चल अच्छा बात, अगर क्लियर है सभी को तो बहुत बढ़िया है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो हमारे पास सैंपलिंग में आता है, दैट इज नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्शन ऑफ सैंपल डेटा। अगर मेरे पास कोई पॉपुलेशन डेटा दे रखा है तो मैं कितने नंबर ऑफ वेज से उस डेटा, पॉपुलेशन डेटा से सैंपल डेटा को सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये कंसेप्ट है। इसके दो कंसेप्ट है, बेसिकली दो अलग अलग मेथड है, क्या सब है? एक है विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट, और एक है विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का बेसिकली मतलब है यहाँ पे रिपीटेशन इज अलाउड, आप रिपीटेशन कर सकते हो डेटा में, यहाँ पे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो सकता। तो विथ रिप्लेसमेंट के अंदर में जो नंबर ऑफ वेज निकालने का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ वेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन पे पावर स्मॉल एन, वेयर कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेटा, बेसिकली साइज ऑफ पॉपुलेशन डेटा, एंड स्मॉल एन इज द नंबर, और यू कैन से साइज ऑफ सैंपल डेटा। तो एन पे पावर एन हमारे पास जो आएगा तो नंबर ऑफ वेज आएगा सैंपल को कलेक्ट करना पॉपुलेशन डेटा से विथ रिप्लेसमेंट के केस में। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा, मैं अभी आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, दैट इज एन सी एन। सिमिलर सेम वही, एन हमारे पास पॉपुलेशन साइज कैपिटल एन, एंड स्मॉल एन इज द सैंपल साइज। एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेट अस सपोज आपके पास एक पॉपुलेशन डेटा दे रखा है, दैट इज 1, 2 एंड 3। तो बेसिकली तीन आपके पास पॉपुलेशन डेटा है, यहाँ से अगर कैपिटल एन की वैल्यू मैं निकालू तो कैपिटल एन क्या है, 3, मतलब 3 पॉपुलेशन डेटा है। आपको क्या बोला कि
दिए गए पॉपुलेशन डेटा से आप क्या करो, दो दो के सैंपल साइज कलेक्ट करो। दिए गए पॉपुलेशन डेटा से आप क्या करो, सैंपल साइज कलेक्ट करो ऑफ टू। सैंपल साइज कलेक्ट आपको दो दो के, तो आप कैसे करोगे, तो आपके पास दो केसेस है। एक केस है आपके पास विथ रिप्लेसमेंट का और एक केस है आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट का। विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या था, जहां पे जब हम नंबर ऑफ वेज निकालेंगे, नंबर ऑफ वेज वो कैसे निकलेगा, एन सी एन, कैपिटल एन मेरा क्या है, थ्री है, और स्मॉल एन क्या है मेरा, टू है। ये दो दो के मतलब, दो दो मतलब आपका जो सैंपल होना चाहिए वो दो दो के होने चाहिए, ठीक है। तो एन स्मॉल एन तो बेसिकली यहाँ पे दो का काम कर रहा है, तो थ्री सी टू। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, थ्री। तो कहने का मतलब ये है कि दिए गए जो तीन डेटा है हमारे पास पॉपुलेशन का, इससे जो मैं दो दो का सैंपल कलेक्ट करूंगा विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में, तो हमारे पास तीन ही सैंपल हो सकते हैं। अगर मैं उसको लिस्ट करूं, अगर उस सैंपल को मैं लिस्ट करूं, तो वो क्या सब हो सकता है, या तो होगा वो वन टू, या तो होगा वो वन थ्री, या तो होगा वो टू थ्री। बस यही तीन चीज होंगे हमारे पास पॉपुलेशन डेटा, क्या था, वन टू थ्री। तो इससे अगर मैं दो दो का सैंपल बनाऊं, या तो वन टू एक सैंपल हो गया दो डेटा का, या तो वन थ्री दूसरा सैंपल हो गया दो डेटा का, या तो टू थ्री। इसके बाद अगर आप कुछ भी लोगे तो आपके पास रिपीटेशन आ जाएगा, चाहे आप थ्री वन ले लो, थ्री टू ले लो, टू वन ले लो, तो यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, रिपीटेशन दिख जाएगा, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में लिस्ट करोगे। दूसरा केस विथ रिप्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज निकालने का फॉर्मूला होता है, विच इज नथिंग बट एन पे पावर स्मॉल एन। कहने का मतलब एन मेरे पास थ्री था, स्मॉल मेरे पास टू था, तो टोटल नाइन। मतलब हम लोग तीन पॉपुलेशन डेटा से विथ रिप्लेसमेंट के केस में दो दो डेटा का अगर सैंपल बनाते हैं, तो टोटल नाइन डेटा मेरे पास आ सकता है। कैसे आ सकता है, अगर मैं उसको लिस्ट करूं तो कुछ इस तरीके से आ सकता है, क्या सब, तो एक तो वन वन आ सकता है, एक वन टू आ सकता है, एक वन थ्री आ सकता है, फिर टू वन आ सकता है, टू टू आ सकता है, एंड टू थ्री आ सकता है। सिमिलरली हमारे पास एक थ्री वन आ सकता है, थ्री टू आ सकता है, एंड थ्री थ्री आ सकता है, क्योंकि इस केस में रिपीटेशन अलाउड है, मतलब वन 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 टू फिर टू वन भी हो सकता है इस तरीके से। तो ये आपके पास टोटल नौ सैंपल बन गए हैं दो दो डेटा का। तो यहां तक में किसी को डाउट है, एनीवन कुछ पूछना चाहते हो तो हैंड रेज करके पूछ सकते हो, किसी को डाउट है, एनीवन क्लियर है सभी को। तो नंबर ऑफ वेज निकालने का जो फॉर्मूला था हमारे पास, विथ रिप्लेसमेंट के साथ था एन पे पावर एन, और विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ था एन सी एन। अब इसके आगे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता भी है और पेपर में 10 मार्क्स देकर जाता है। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप सभी भी नोट करना। लेट अस सपोज हमारे पास एक पॉपुलेशन डेटा दे रखा है, विच इज नथिंग बट टू फोर सिक्स एट। ओके, आपको पहला क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द पॉपुलेशन मीन, जिसको आप म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको आप सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरे पार्ट में आपको बोला हाउ मेनी सैंपल ऑफ साइज टू विल बी ड्रॉन यूजिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट एंड लिस्ट देम। आप उसको लिस्ट भी करो। इसके तीसरे पार्ट में आपको बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, ऑफ सैंपल मीन, जिसको आप एक्स बार से जानते हो, सैंपल मीन इज नथिंग बट एक्स बार। एंड फोर्थ पार्ट में आपको बोला कि सो डेट, एक चीज आप मुझे प्रूफ करके बताओ कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार होगा वो
म्यू के बराबर होगा, एंड बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन वो पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा, एंड जो दूसरा आपको प्रूव करने के लिए बोला कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार होगा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन जो होगा वो कुछ इस तरीके होगा, सिग्मा अपॉन में अंडर रूट स्मॉल एन स्क्वायर रूट के अंदर में कैपिटल एन माइनस में स्मॉल एन अपॉन में कैपिटल एन माइनस में 1। तो ये आपको एक सिंपल सा डेटा दे रखा है, उसके चार पार्ट्स आपसे पूछे गए, ये सब फाइंड आउट करो। ये क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स में पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन आप अच्छे से कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो वन बाय वन सॉल्व करते सबको साथ में। हमारे पास डेटा क्या सब है, डेटा अगर देख ले तो 2, 4, 6, 8 है, 2, 4, 6, 8। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा पहले पार्ट के लिए क्योंकि सबको पता है, और किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। आपको पहले पार्ट में क्या बोला था कि मीन निकालो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो इस डेटा का, ये पॉपुलेशन मीन का। तो एक बात बताओ, मेरा जो म्यू होगा, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में कैपिटल एन, दिए गए डेटा से इसका समेशन ऑफ एक्स क्या निकलेगा, 8, 4, 12, 6, 18, 2, 20, ये 20 है। तो देख 20 अपॉन में एन कितने सैंपल है, 1, 2, 3, 4, थ्री नॉट सैंपल, कितने साइज है पॉपुलेशन के, तो 4 है, मैंने लिखा यहाँ पे 4। मेरे पास जो मीन की वैल्यू आई, पॉपुलेशन मीन, वो आया 5। अब आपको पूछा क्या गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस पॉपुलेशन, ये था ना स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा गया है ये पॉपुलेशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वो वेरियंस निकाल लेंगे। तो वेरियंस निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कर लो, एक्स माइनस में म्यू का होल स्क्वायर निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो 2 माइनस में 5 का होल स्क्वायर जो कि क्या आ जाएगा, बेसिकली -3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर जो कि क्या आ जाएगा 1, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर ये भी बेसिकली 1 आ जाएगा, 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर ये बेसिकली आपके पास 9 आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसको जब टोटल आप करोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो वेरियंस हम लोग कैसे निकालते हैं, वेरियंस ऑफ एक्स जिसको आप सिग्मा स्क्वायर से जानते हो, विच इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स माइनस में म्यू का होल स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एन, जो कि क्या होगा 20 अपॉन में कैपिटल एन है 4, तो बेसिकली 5 ही आ जाएगा। तो वेरियंस ऑफ एक्स भी 5 आया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जिसको आप सिग्मा से जानते हो, स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ सर एक्स। अब बताओ, सर शायद सिंपल में सर ये एन माइनस वन होगा या फिर एन ही होगा। सैंपल ही निकाल रहे, पॉपुलेशन निकाल रहे, ये देखो फाइंड द पॉपुलेशन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके ओके, सर इसलिए कैपिटल एन का भी यूज किया गया दे। तो ये तो हमारे पास पहले पार्ट का क्वेश्चन आ चुका जो पहले से आपको पता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे पार्ट में जो पूछा गया, दूसरे पार्ट में आपको बोला कि दिए गए पॉपुलेशन डेटा से हम लोग दो दो का सैंपल कितना निकाल सकते हैं बाय यूजिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो कहने का मतलब देखा जाए तो मेरे पास कैपिटल एन कितना है 4, एंड स्मॉल एन कितना दे रखा है 2, दो दो डेटा निकालना है हमें। तो विदाउट रिप्लेसमेंट जो नंबर ऑफ वेज होगा वो क्या होगा, एन सी एन बेसिकली 4C2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, बेसिकली 4, 12, 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 ही आएगा ना, यस चलो ठीक है, सारे के सारे एक्टिव रहो प्लीज। तो हमारे पास 6 आ गया। अब आप बोला इसको लिस्ट भी करना है, जो आपने ये तो बता दिया कि 6 हम लोग सैंपल बना सकते हैं, बोला इसका लिस्ट, इसको लिस्ट करो। तो लिस्ट कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो मेरे पास पॉपुलेशन क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ। जो हमारे पास पॉपुलेशन डेटा दे रखा है विच इज 2, 4, 6, 8, ये है ना 2, 4, 6, 8, हाँ यही है। तो क्या सब हो सकता है दो दो का अगर बनाए, तो एक तो हो सकता है 2, 4, एक हो सकता है 2, 6, एक हो सकता है हमारे पास 2, 8, उसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है 4, 6, और अगर उसके बाद देखा जाए तो एक हम लोग 4, 8 भी ले सकते हैं, और कुछ होगा 4, 6, 4, 8, 2, 4, 16 6, 8, बिल्कुल सही, एक होगा 6, 8। तो ये टोटल हमारे पास 6 डेटा बन सकता है दो दो का सैंपल लेकर। इसके आगे अगर आप जाओगे तो आपका रिपीटेशन हो जाएगा जो कि विदाउट रिप्लेसमेंट में अलाउ नहीं होता। तो इस तरीके से आप इसको लिस्ट कर चुके हो। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में आपको क्या बोला, तीसरा पार्ट ध्यान से सुनना और अच्छे तरीके से देखो। तीसरे पार्ट में आपको बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, सैंपल मीन का आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो सबसे पहले आपको सैंपल मीन निकालना होगा, उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी होगी।
इस पार्ट को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर हम लोग सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों निकाल रहे हैं। सिंस जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि जब हम लोग सैंपल साइज कलेक्ट कर रहे थे दिए गए पॉपुलेशन डेटा से, जो सैंपल साइज कलेक्ट कर रहे थे, चाहे वो विदाउट रिप्लेसमेंट करे चाहे वो विथ रिप्लेसमेंट करे, हमारे पास जो आ रहा था सैंपल वो क्या आ रहा था, 1 2 1 3 2 3, सिमिलरली 1 1 1 2 1 3। तो जो सैंपल हम कलेक्ट कर रहे हैं ना वो यूनिक नहीं है। अगर वो यूनिक नहीं है तो कहने का मतलब जो मेरा सैंपल है, सैंपल इज अ रैंडम वेरिएबल, वो डिफर कर रहा है। मतलब बेसिकली जो सैंपल का वैल्यू है वो बहुत कई सारे आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 3 3 आ सकते हैं। और अगर नॉर्मली रियल लाइफ सिनेरियो का एग्जाम्पल लेना आप चाहते हो, लेट सपोज मैं कुछ इस तरीके से बोल रहा हूँ कि डीयू के इकोनॉमिक्स ऑनर्स के मार्क्स कुछ है, और मैंने ना डीयू के कुछ कॉलेज ले लिए, SRCC ले लिए, राजधानी कॉलेज ले लिए, शिवाजी कॉलेज ले लिए, तो इसके जो मार्क्स कुछ भी है, तो ये SRCC का मार्क्स, राजधानी का मार्क्स और शिवाजी का मार्क्स, ये क्या, ये एक तरीके से मैंने सैंपल लिया है। डीयू इकोनॉमिक्स का जो मार्क्स ये आएगा, ये पॉपुलेशन है, और उसी के अलग अलग कॉलेज के जो मैंने मार्क्स लिया ये एक तरीके से सैंपल है। तो क्या SRCC का मार्क्स और राजधानी का मार्क्स और ये शिवाजी कॉलेज का मार्क्स आपस में क्या इक्वल होंगे? नहीं, ये भी डिफर कर सकते हैं, ये यूनिक नहीं है। तो सिंस सैंपल आर नॉट अ यूनिक, तो सैंपल एक रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। और अगर सैंपल रैंडम वेरिएबल है, इफ सैंपल इज रैंडम वेरिएबल, देयर मस्ट बी अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई भी वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल हमारे पास गिवन है, तो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा ही बनेगा। और अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी वेरिएबल का बन रहा है, तो उसका एक्सपेक्टेशन एंड वेरियंस भी होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सैंपल मीन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। तो आप पहले तो हम लोग सैंपल मीन निकाल लेते, क्या होगा हमारे पास। ओके कृतिका, मैं आपको अगेन रिपीट करता हूँ। सैंपल जो हमारे पास होता है, जब हम लोग पॉपुलेशन डेटा से सैंपल लेके आते हैं, वो सैंपल यूनिक नहीं होता, वो डिफर करता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, जब मैंने दो दो का सैंपल लिया था, तो ये जो दो दो का सैंपल मैंने अलग अलग लिया है, ये आपस में अलग अलग है, ये यूनिक नहीं है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे सेम दिख रहे होंगे आपको। तो सिंस ये यूनिक नहीं है, तो ये एक रैंडम वेरिएबल को अप्रोच करेगा। तो अगर सैंपल रैंडम वेरिएबल को अप्रोच करता है, तो देयर मस्ट बी अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो देयर मस्ट बी अ एक्सपेक्टेशन एंड वेरियंस। दैट्स व्हाई हम लोगों को ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताओ सैंपल मीन का, क्योंकि सैंपल मीन एक रैंडम वेरिएबल है। क्योंकि जब आप मीन निकालोगे 1 और 2 का, 1 और 3 का एंड 2 एंड 3 का, तो ये मीन आपस में डिफर करेंगे, ये यूनिक नहीं होगा कभी भी। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो सिंस अभी क्या करना है कि ये जो मेरे पास सैंपल आया है, इस सैंपल का हमें क्या करना है, मीन निकालना है सबसे पहले। तो और मीन निकालने के बाद उसके मैं डिस्ट्रीब्यूशन में निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले मैं इसका मीन निकालता हूँ। तो इस सैंपल का जो मीन आएगा, सैंपल मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। पहला सैंपल हमारे पास ये है, तो इसका मीन कैसे निकालेंगे, दोनों ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे दो ही ऑब्जर्वेशन है, एन इक्वल टू 2 है। तो 4 + 2 = 6 डिवाइड बाय 2, ये मेरे पास आ जाएगा 3। दूसरा सैंपल मेरे पास ये है, दोनों ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2, क्योंकि दो ऑब्जर्वेशन है तो मतलब नंबर ऑफ साइज 2 है, तो 6 + 2 = 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4। फिर तीसरा मेरे पास सैंपल ये है, तो 8 + 2 = 10 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा मेरे पास 5। चौथा मेरे पास जो बेसिक सैंपल वो ये है, 6 + 4 = 10 डिवाइड बाय 2 = 5, 8 + 4 = 12 डिवाइड बाय 2 = 6, 6 + 8 = 14 डिवाइड बाय 2 = 7। तो मेरे पास दिए गए अलग अलग जो सैंपल थे, इन सब का मैंने मीन निकाल लिया। ओके, अब इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स बार को। एक्स बार मतलब जो मीन है मेरे पास वो कौन कौन सा है, एक तो 3 है, एक तो 4 है, एक तो 5 है, एक तो 6 है, एक तो 7 है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो मेरे सैंपल का मीन आ सकता है वो क्या सब आ सकता है। मतलब याद करो, जब रैंडम वेरिएबल आप पढ़ते थे क्या बोलते थे, एक्स एक रैंडम वेरिएबल है और एक्स कैन टेक वैल्यू। तो यहाँ पे एक्स बार एक मेरा रैंडम वेरिएबल है और एक्स बार कैन टेक वैल्यू, क्या सब वैल्यू ले सकता है ये, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7। मैंने लिख दिया या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7। अब इसके क्रॉस पॉइंट में मैं इसका प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, मेरे पास टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर मेरे पास 6 है, इसमें 3 कितना है, अगर 3 को देखेंगे तो मेरे पास एक यहाँ पे बस 3 है, ये बस 3 है मेरे पास, बाकी सब कुछ और है। तो 3 का जो प्रोबेबिलिटी आएगा क्या आएगा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो बेसिकली 1 अपॉन में 6। सिमिलरली 4 के लिए चेक करते हैं,
देखा जाए तो 4 मेरे पास यहाँ एक ही है और टोटल नंबर 6 है, तो 4 का जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो आएगा 1/6। सिमिलरली 5 के लिए चेक करते हैं, तो 5 मेरे पास यहाँ पे 2 है और टोटल नंबर मेरे पास कितने हैं 6, तो फेवरेबल 2 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो 2/6, तो मैंने लिखा यहाँ पे 2/6। सिमिलरली 6 के लिए चेक करते हैं, तो 6 मेरे पास एक ही है और टोटल नंबर कितने हैं 6, तो 1/6, इसके लिए 1/6। और सेम 7 के लिए भी आपके पास 1/6 ही होगा क्योंकि 7 भी आपके पास एक ही है। अब जो मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये करेक्ट है या नहीं है वो कैसे पता करेगा, मैं क्या करूंगा इस सब का सम निकालूंगा, और अगर इन सब का सम 1 आता है तो मतलब मेरा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बनाया है वो सही है। तो आप जब इसको ऐड करोगे 1/6, 1/6, 2/6, 1/6, 1/6, तो आपके पास इन सब का टोटल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये है तीसरे पार्ट का आंसर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना आपको किसका, सैंपल मीन का। किसी को डाउट है तीसरे पार्ट में, एनीवन, एनीवन किसी को डाउट है, समझ में आ गया, सर बताओ संतोष। सर लिस्टिंग जो किए हैं तो उसको ऐड क्यों किए हैं फिर? हाँ ये वाला, हाँ देखो मेरे पास ना आपने क्या किया सैंपल निकाला, ये एक सैंपल है दिए गए पॉपुलेशन डेटा का, ये पहला एक सैंपल है। सिमिलरली ये दूसरा सैंपल है, अब मुझे पहला सैंपल का मुझे आपको मीन निकालना हो तो कैसे मीन निकालोगे। सर, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। हाँ बस वही किया, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से ये एक दूसरा सैंपल है, मतलब जो मेरे पास एक पॉपुलेशन डेटा है और इस डेटा में से जो मैं दो दो करके निकाल रहा हूँ ना, तो कई सारे सैंपल निकल सकते हैं और इन सभी सैंपल का आपने मीन निकालना है। क्लियर? यस सर, ओके, तो अब हम लोगों ने यहाँ तक पहुंच चुके, कौन सा तीसरा पार्ट हो चुका है। चौथा पार्ट में क्या बोला गया कि शो करना है आपको कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार जो होगा, मतलब सैंपल मीन का जो एक्सपेक्टेशन होगा वो पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा, और सैंपल मीन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो कुछ ये होगा। तो सबसे पहले हम लोग सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। अब किसी भी रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते थे, हम लोग क्या करते थे उस रैंडम वेरिएबल के उसके क्रॉसपॉन्ड प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते थे, और इन सब का जो टोटल सम आएगा वो मेरा क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन आएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज नथिंग बट अ समेशन ऑफ एक्स बार इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। तो मैं इसको पहले निकाल रहा हूँ, तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा 3/6, 4/6 और 10/6, ये आ जाएगा 6/6, ये आ जाएगा 7/6। जब आप इसको ऐड करोगे तो बेसिकली 7 6 13, 4 17 3 20 के 0 2 1 3, बेसिकली आपके पास 30/6 जो कि इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब दिस इज नथिंग बट 30/6 विच इज इक्वल टू 5, और ये 5 आपका पॉपुलेशन मीन था। तो पहला पार्ट आपका प्रूव हो चुका कि जो आपने सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन निकाला है वो पॉपुलेशन मीन के बराबर आ गया है, क्योंकि पॉपुलेशन मीन भी आपने 5 ही निकाला है यहाँ पे चेक कर। ये पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट में आपको बोला कि स्टैंडर्ड डेविएशन को आपको कुछ प्रूफ करना था सिग्मा अपॉन में अंडर रूट एन करके। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं इसका। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसका वेरियंस निकालना पड़ेगा। तो वेरियंस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ एक्स बार का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। ये क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि वेरिएंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ एक्स बार, दैट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। आई होप सबको पता होगा, एंड किसी को डाउट हो या आइडिया ना हो तो मैंने रिवीजन वाली वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है आपके ऊपर में, तो आप वहां से देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं, तो जब मैं, अच्छा ये कैसे निकालेंगे, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास एक्स बार का स्क्वायर इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो 3/6 इंटू में 3, ये आ गया आपके पास 9/6, 4/6 इंटू में 4, ये आ गया 16/6, 10, ये आ जाएगा 50/6, 6 इंटू में 6 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 36/6, और ये आ जाएगा आपके पास 49/6। जब आप इसको ऐड करोगे तो 9 6 15 6 21 9 30 के 0 3 4 3 7 3 10 5 15 1 16, 160 अपॉन में 6 आ जाएगा। अब मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, ये है 160 अपॉन में 6, ये मैंने निकाल के रखा है क्या 5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो 6 160 एंड 5 का स्क्वायर 25 इंटू में 6, ये आ जाएगा 150। तो आपके पास क्या आ गया 10/6, जिसको आप थोड़ा और ब्रेक कर सकते हो, आपके पास 2 5 10 एंड 2 3 6, 5/3 आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या आ जाएगा मेरा, वो आ जाएगा अंडर रूट 5/3। तो सबसे पहली बात तो ये कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार निकालने में कैसे निकालेंगे, किसी को डाउट है फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
एनीवन, किसी को डाउट है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार कैसे निकला है? चलो डाउट अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। इस स्टैंडर्ड डेविएशन को एक्स बार को बेसिकली इसको क्या हम लोग रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन, सैंपल मीन। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर बेसिकली। और इसका जो नोटेशन होता है इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, सिग्मा एक्स बार। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन बोला जाए या स्टैंडर्ड एरर बोला जाए या फिर सिग्मा एक्स बार बोला जाए, आपको समझ जाना चाहिए कि तीनों का मतलब यही है। तो सैंपल मीन के स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, ये आपको याद रखना। स्टैंडर्ड एरर का जो डेफिनेशन होता है वही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन। ओके, तो ये तो समझ में आ चुका होगा आपको। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो अब हमें प्रूफ क्या करना, हमें प्रूफ करना था ये कि जो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार होगा वो इसके बराबर होगा। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमें एक मैकेनिज्म का बेसिकली यूज करना होगा। वो मैकेनिज्म ये है कि हमें आर एच एस को लेकर तब एल एच एस को प्रूफ करना होगा। हमारा प्रूफ क्या है, यहाँ ध्यान से देखो, हमारा टू प्रूफ है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार होगा वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन में अंडर रूट एन स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एन माइनस में स्मॉल एन अपॉन में कैपिटल एन माइनस में वन। हम लोग क्या कर रहे हैं, आर एच एस से स्टार्ट कर रहे हैं। आर एच एस मेरा क्या है, सिग्मा अपॉन में अंडर रूट एन कैपिटल एन माइनस में स्मॉल एन अपॉन में एन माइनस में वन। सिग्मा मतलब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हम लोग पहले से निकाल कर बैठे। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो क्या है, अंडर रूट फाइव है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अंडर रूट फाइव, यहाँ पे लिखा अंडर रूट फाइव। स्मॉल एन इज नथिंग बट सैंपल का साइज, सैंपल का साइज क्या था, दो दो, तो अंडर रूट टू इंटू में यहाँ पे कैपिटल एन वन। कैपिटल एन पॉपुलेशन का साइज कैपिटल एन, जो कि क्या था, फोर माइनस में टू अपॉन में फोर माइनस में वन। जब इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट फाइव अपॉन में अंडर रूट टू, यहाँ से आ जाएगा आपके पास अंडर रूट टू अपॉन में अंडर रूट थ्री। ये दोनों रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या, अंडर रूट फाइव बाई थ्री, जो कि इक्वल है किसके, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार के। हेंस प्रूव्ड, अभी आपने निकाला था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार अंडर रूट फाइव बाई थ्री। तो आप इस तरीके से इसको प्रूव करो। एनीवन, किसी को डाउट, क्वेश्चन नंबर वन में किसी को डाउट, एनीवन, क्लियर है सभी को? तो ये बेसिकली आपका पहला क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आपको आराम से 10 नंबर देकर जाएगा। बस करना क्या था, कैलकुलेशन करना था। कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे तो नंबर गया, अदरवाइज नंबर आपको मिल जाएंगे। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ विथ रिप्लेसमेंट का केस का, आप लोग भी साथ साथ ट्राई करना उसको सॉल्व करने का। लेकिन केस क्या है, विथ रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर टू, लेट अस सपोज आपके पास कुछ इस तरीके से दे रखा है, पॉपुलेशन यूनिट विच इज नथिंग बट वन थ्री एंड फाइव, और आपको पहले पार्ट में बोला फाइंड द पॉपुलेशन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरे पार्ट में बोला आपको सेम वही, हाउ मेनी सैंपल ऑफ साइज टू कैन बी ड्रॉन यूजिंग विथ रिप्लेसमेंट। और आपको बोला आल्सो लिस्ट देम, उसको आपको लिस्ट भी करना है, वो क्या सब होंगे वो भी आपको बताना है, आल्सो लिस्ट देम। थर्ड पार्ट में आपको बोला फिर से वही, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। फोर्थ पार्ट में आपको बोला कि सो डेट अगेन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार जो है वो पॉपुलेशन म्यू के बराबर होगा, मतलब पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार बेसिकली सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन, और जिसको आप ये भी बोल सकते हो स्टैंडर्ड एरर, वो होगा सिग्मा अपॉन में अंडर रूट एन, इसके बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया। साथ में करते सब, तो एक बार सॉल्यूशन लिखते हैं और पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में जो मेरे पास एक्स दे रखा है वो क्या सब दे रखा है, वन थ्री एंड फाइव, वन थ्री एंड फाइव। तो अगर मुझे यहाँ से पॉपुलेशन मीन निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐड कर दूंगा, तो पांच तीन आठ एक नौ,
बेसिकली जो म्यू होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में कैपिटल एन, और कैपिटल एन की वैल्यू यहाँ से 3 आएगी, तो बेसिकली 9 अपॉन में 3, जो बेसिकली मेरे पास 3 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बेसिकली पॉपुलेशन निकालना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना हो, तो पहले मुझे वेरियंस ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, जो कि क्या होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस में म्यू का स्क्वायर अपॉन में एन। वो कैसे निकलेगा, तो वो मेरे पास इस तरीके से निकलेगा, एक्स माइनस में म्यू अपॉन में स्क्वायर, ये निकाल लो पहले, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 3 का स्क्वायर 0, 5 माइनस 3 का 2 का स्क्वायर 4, तो ये बेसिकली आपके पास यहाँ से 8 आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो 8 अपॉन में 3, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो होगा, जिसको आप सिग्मा बोलते हो, विच इज नथिंग बट अंडर रूट 8/3। आई होप सबका सेम ही आया होगा, किसी को इसमें डाउट नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसी को डाउट है इसमें? चलो मुझे नहीं लगा किसी को होगा। सबसे पहले बात करते हैं, हाउ मेनी सैंपल ऑफ साइज 2 कैन बी ड्रॉन यूजिंग विच रिप्लेसमेंट, आल्सो लिस्ट देम। तो अब आपको जो नंबर ऑफ वेज निकालना है वो विच रिप्लेसमेंट के केस में निकालना है। नंबर ऑफ वेज क्या होता है, एन पे पावर एन, एन मेरे पास कितना है 3, कैपिटल एन 3 है, और स्मॉल एन कितना है 2, क्योंकि दो दो के सैंपल निकालने हैं, तो टोटल हमारे पास 9 वेज होंगे। अब उनको मुझे लिस्ट करना है, लिस्ट करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ पॉपुलेशन मेरे पास क्या सब था, 1, 2 एंड 3 था। तो इसको मैं जब लिस्ट करूंगा तो क्या सब हो सकता है, या तो 1, 2, 1, 3 और 1, 1, चलो मैं पास 1, 1, या तो 2, 1, 2, 2 एंड 2, 3, या तो 3, 1 एंड 3, 2 एंड 3, 3। तो कुछ इस तरीके से हमने लिस्ट कर दिया, तो ये था सेकेंड पार्ट का आंसर, बस इससे आगे नहीं करना। अब आपको तीसरे पार्ट में क्या बोला था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, सैंपल मीन के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले सैंपल मीन निकाल लेते हैं, तो मेरे पास पहला सैंपल ये है 1, 2, इसका मीन जब निकालेंगे तो 2 प्लस 1 3, और 3 डिवाइड बाई 1, सॉरी 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेसिकली आपके पास 1.5। ओके, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन सही करने के लिए मैं यहाँ पे ना एक चीज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, 1, 3 एंड 5 लिख दे रहा हूँ, जिससे कि ना इवन नंबर के फॉर्म में आ जाए, 1, 3, 5। थोड़ा सा इसको आप लोग सही कर लेना। अब जो मेरे पास आएगा वो क्या सब आएगा, तो या तो 1, 3 आएगा, 1, 5, मैं दोबारा से इसको लिख रहा हूँ, आप लोग भी दोबारा से कर लेना, जिससे कि ना हम लोगों का जो मीन आए वो एक इंटीजर फॉर्म में आए, और हम लोग को प्रॉब्लम ज्यादा ना हो कैलकुलेशन करने के लिए। तो 1, 1, 1, 3 एंड 1, 5, 2, 1, 2, 3 एंड 2, 5, 3, 1, 3, 3 एंड 3, 5। तो अगर हमने पॉपुलेशन को चेंज किया है तो ऊपर भी डेफिनेटली चेंज ही होगा। अच्छा, पॉपुलेशन मैंने यही लिया था, 1, 3, 5 ही लिया था, आई थिंक मैंने बाद में गलत कर दिया। चलो ठीक है, अब हम लोग एक्स बार लेके चलते हैं। तो पहला सैंपल मेरे पास ये है, अब मुझे इसका निकालना है मीन, तो 1 प्लस 1, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 1। दूसरा सैंपल मेरे पास ये है 1, 3, इसका मीन निकालना है, तो मैं ऑब्जर्वेशन को ऐड करूंगा, डिवाइड बाई 2 करूंगा, तो 3 प्लस 1, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास 2 आ जाएगा। 5 प्लस 1, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 आ जाएगा। 2 प्लस, बताओ, सर 3, 1, हाँ बताओ। बता रहे एक बार धर्मेंद्र, सॉरी शेफाली, आपको दे ना, ये मैंने दोबारा गलत लिख दिया क्या? थे 3, 1, 3, 3 और 3, 5, सॉरी। वो सर मैं मीन लिख के लिए शेफाली, आपके ना साउंड क्लियर नहीं है, एक बार यस सबका देखना, जो लिस्ट मैंने किया ये सेम आया सबका? ओके, अब निकालते एक बार, 1, 1 का मीन 1 आएगा, 3, 1 का मीन 2 आएगा, 5, 1 का 3 आ जाएगा, फिर आगे 3, 1 का जो मीन आएगा वो 2 आएगा, 3, 3 का जो मीन आएगा 3 प्लस 3, 6 डिवाइड बाय 2, 3 आ जाएगा, 5, 3 का जो मीन आएगा 5, 3, 8 डिवाइड बाय 2, ये 4 आ जाएगा, 5 प्लस 1, 6 डिवाइड बाय 2, ये 3 आ जाएगा, 5 प्लस 3, 8 डिवाइड बाय 2, ये 4 आ जाएगा, 5 प्लस 5, 10 डिवाइड बाई 2, ये 5 आ जाएगा। तो हमारे पास ये इस तरीके से एक्स बार एक मीन आ चुका है। कितने नंबर है, एक्स बार कैन टेक वैल्यू या तो 1 या तो 2 या तो 3,
या तो 4 या तो 5, तो इस तरीके से एक्स बार अपनी वैल्यू को ले सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार, या तो वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। 1 कितनी बार, अब इसके क्रॉसपॉन्ड में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। तो टोटल नंबर मेरे पास कितना है, टोटल 9 नंबर है, और 1 कितनी बार है, तो एक एक ही बार है, तो 1/9 होगा इसकी प्रोबेबिलिटी, 1 आने का 1/9। 2 कितनी बार है, तो 2 है हमारे पास, 1 2, तो टोटल 2 जो है वो 2 बार है, तो इसके लिए मैंने लिखा 2/9। 3 कितनी बार है, 3 अगर देखा जाए तो 1 2 3, इसको मैं लिख दूंगा 3/9। 4 कितनी बार है, तो 4 हमारे पास है 1 एंड 2, मैं इसको लिख दूंगा 2/9। और 5 के लिए चेक करें तो 5 मेरा एक ही है, तो बेसिकली मैं लिखूंगा 1/9। और जब आप इसको चेक करोगे समेशन, तो इसका समेशन टोटल 1 ही आएगा। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, जो अभी तक तो हम लोग पहले क्वेश्चन में भी कर रहे हैं। अब आपको क्या बोला चौथे पार्ट में, कि आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार को मीन से, मीन के बराबर प्रूफ करो। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स बार इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, जो कि क्या आएगा, 1/9, 4/9 एंड 9/9 और 8/9 एंड 6/9। इसको ऐड करोगे 814, 20, 23, 24, 27, 28/9, सही है। सर लास्ट में 5/9 आएगा। अच्छा ये वाला, नहीं 5/9 नहीं, 1/9 में हुआ। सर उसका अच्छा मल्टीप्लिकेशन तो 27। ओके ओके, ये 5/9 होगा। ठीक, तो अब अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा बेसिकली 27/9, जो कि 3 के बराबर आ जाएगा। तो बेसिकली 27/9 विच इज इक्वल टू 3, जो कि पॉपुलेशन मीन के बराबर, हेंस प्रूव्ड। अब अगर हम लोग यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार निकाले, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स बार। और वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स बार का स्क्वायर इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार निकाल सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1/9, और 4 2 जा 8/9, 9 3 जा 27/9, 8 4 जा 32/9 एंड 5 इंटू 5 हो जाएगा आपके पास 25/9। कोई बताएगा इसका एड किसने किया है, 5 2 7 8 14 15 5 20 23 31। 93/9, देखो चेक करो,93 यस कर चुके हो, है बताओ क्या डाउट है। सर। मुझे पूछना था कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम ऐसे नहीं निकाल सकते, एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन एक्स माइनस माइनस एक्स बार नहीं, वेरिएंस पहले आप निकालोगे ना, इस तरीके से निकाल सर। सकते हो, जैसे वेरिएंस निकाल रहा हूँ ना, इस तरीके से समेशन ऑफ जैसे एक्स फोर, माइनस एक्स बार के स्क्वायर अपॉन में एन माइनस वन। यस सर, ऐसे निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं बिल्कुल, ऑलराइट सर। लेकिन यहाँ सैंपल का निकाल रहे हैं तो एन माइनस वन करना ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करें, तो जैसा कि हम लोगों ने निकाला, ये निकाला है 93/9, और ये 3 का स्क्वायर है। तो 93/9 माइनस में बेसिकली यहाँ पे 9, इसको सॉल्व करोगे तो 9 और 93 माइनस में 81, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 12/9 ना, तो 3 4 जै 12, 3 3 जै 9, तो ये बेसिकली 4/3 आ गया, 4/3। तो अगर मैं यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार निकालूँ, तो विच इज नथिंग बट 2/√3 आ जाए। अब सेम हमें प्रूफ क्या करना है, हमारा टू प्रूफ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में √n। तो हम लोग क्या करेंगे, आरएचएस को पहले लेंगे, आरएचएस हमारा क्या है, सिग्मा अपॉन में √n। सिग्मा मतलब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हम लोगों ने पहले निकाल कर रखे हैं, दैट इज √8/3। मैं यहाँ लिखूंगा √8/3, √8/3 इंटू में 1 अपॉन में √n। n मेरा क्या है, तो n इज नथिंग बट 2, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। इसको जब आप देखोगे स्क्वायर रूट के अंदर में 4/3 आ जाएगा, विच इज 2/√3, जो कि इक्वल है किसके, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार के, हेंस प्रूफ। किसी को डाउट है इसमें, एनीवन, सबको समझ में आ गया। सर आप ये वाला पार्ट उस मेथड से भी कर सकते हो एक बार? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अगर वो मेथड से आपको करना हो तो करना, फिर वही और कैलकुलेशन आपका जो है ना थोड़ा बढ़ जाएगा।
तो इस तरीके से करो। देखो मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल, कोई बताएगा एक्स बार क्या सब था? 1 था, 2 था, 3 था एंड 4, 5, 4, 5 4, 5। एक सेकेंड, ओके। उस मेथड से जब आप करोगे ना, तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। उस मेथड से जब आप करने जाओगे इसको, 3, 4, 5 है हमारे पास, चलो देखते हैं। तो सपोज ये मेरे पास अब एक रैंडम वेरिएबल है जिसको मैंने नाम दिया वाई। जब मैं वाई बार निकालूंगा तो टोटल नंबर समेशन ऑफ वाई अपॉन में लेट अस सपोज एन आ जाएगा। तो एक तरीके से ना ये मेरे पास एक वेरिएबल के फॉर्म में आ चुका है। अब मुझे ये नहीं पता कि सैंपल है या कुछ भी है, नॉर्मली एक वेरिएबल के फॉर्म में आ गया है। तो मैं इसको एन लिख रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा? 15 अपॉन में 5, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब यहाँ से आप y माइनस में y बार का स्क्वायर निकाल लो, क्या आ जाएगा? बेसिकली 1 माइनस 3 का स्क्वायर, बेसिकली मतलब 4 आ जाएगा। 2 माइनस 3 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 1। 3 माइनस 3 ये आ जाएगा 0। 4 माइनस 3 का स्क्वायर 1, और 5 माइनस 3 स्क्वायर 2 का 4, ठीक है। 4 1 5 1 6 4 10, ये आपके पास 10 आ चुका है। तो देखा जाए तो आपके पास जो वेरिएंस ऑफ वाई आएगा वो आ जाएगा बेसिकली समेशन ऑफ वाई माइनस में वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन, विच इज नथिंग बट 10 अपॉन में आपके पास आ जाएगा एन। एन इज नथिंग बट 5, और 4 2 5 ठीक है, 5 आ गया ना, तो एन आपके पास है 5 और वाई माइनस। एक बार सारे चेक करना क्योंकि मैंने सही किया है। ठीक है, चल 10 सेकंड में 1 2 3 4 5। किसका क्वेश्चन था ये? हाँ सर कार्तिक का ओके, दिया। हाँ कार्तिका, देखो जब आप इसको ना इस तरीके से लेने सॉल्व करने जाओगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, और इसके पीछे का रीजन यही है। पहले मैंने सोचा ट्राई कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि आपका ना इसके अंदर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगा हुआ है। तो सिंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगा हुआ है, तो ये आप एक रैंडम वेरिएबल का केस बन जाएगा। और रैंडम वेरिएबल में हमें वेरिएंस निकालने के लिए हमारे वेरिएबल को उसके क्रॉसपॉन्ड की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। एक ये सिंपल, हमारे पास एक डेटा नहीं है, ये एक रैंडम वेरिएबल है जिसका एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और सिंस मुझे रैंडम वेरिएबल का मीन यानी वेरिएंस निकालना है, इसके लिए मुझे इसके क्रॉसपॉन्ड में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और उसके बाद हमें इसी वाले मेथड को यूज करना पड़ेगा। क्लियर? सर, तो लाइक अगर ऐसे यूनिट्स में नंबर दे रखे होंगे तो हमें पहले हाँ वाला मेथड फॉलो करना है, एंड देन अगर देखो, डिस्ट्रीब्यूशन। पहली बात मैं आपको बता, दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं चाहता तो मैं आपको पहले उसी टाइम बता दूं, मैंने 2 मिनट वेट किया, मैं उसी में मैं बता देता, बट उसमें प्रूफ नहीं होता। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। एक हमारे पास एक्स एक नॉर्मल डेटा है जो कि दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ये एक नॉर्मल एक डेटा है। और एक हमारे पास एक्स है जो कि एक रैंडम वेरिएबल है जो कि मेरे से दे रखा है 1 2 3 4 5 6। तो अगर मेरा एक्स एक रैंडम वेरिएबल है तो इसके क्रॉसपॉन्ड में कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी इसकी होगी ही होगी। मैंने सिर्फ अभी कुछ देर पहले बोला था कि सैंपल जो है मेरा वो एक रैंडम वेरिएबल होता है, और अगर सैंपल रैंडम वेरिएबल है तो देयर मस्ट बी अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो देयर मस्ट बी एक्सपेक्टेशन एंड वेरियंस। तो अगर इसके साथ में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो जब तक इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आप लेके नहीं आते तब तक इसका एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस निकालना मुश्किल। क्लियर? तो ये चीजें और ये चीजें आपस में अलग है। अगर ये नॉर्मली डेटा होता तो मैं इसका जो मीन निकालता और वेरियंस निकालता वो सेम फॉर्म में निकलता, लेकिन अगर मेरे पास एक्स एक रैंडम वेरिएबल है और उसके क्रॉसपॉन्ड में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन दे रखा है, हमें इसी फॉर्म में लेके जाना हो। क्लियर? ऑल ठीक, यहाँ पे बस डिपेंड करता है, बस दोनों के बीच में तो डिफरेंस है वो बस इतना है कि एक मेरा रैंडम वेरिएबल है जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी मुझे गिवन है
और एक नॉर्मली मेरे पास एक डेटा भी है और कुछ नहीं। ओके तो गाइज आई होप आपको ये इसका सारा पार्ट समझ में आ चुका होगा कैसे प्रूफ करते हैं। लेट अस सपोज सेम क्वेश्चन में आपको समटाइम्स ये बोल देता प्रूफ करने के लिए, एक फिफ्थ पार्ट में बोल रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। अभी हमने एक चीज प्रूफ किया था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, मतलब सैंपल मीन का जो एक्सपेक्टेशन था वो पॉपुलेशन मीन के बराबर था। ये मुझे क्या बता रहा है सैंपल वेरिएंस का जो एक्सपेक्टेशन है वो किसके बराबर है, पॉपुलेशन वेरिएंस के बराबर है। तो समटाइम्स आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर को प्रूफ करो सिग्मा स्क्वायर के बराबर। सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, आपने पहले निकाल के रखा है इस जगह 8/3, सिग्मा स्क्वायर आपके पास पहले से है। अब आपको क्या करना है सैंपल मीन का वेरिएंस को एक्सपेक्टेशन निकालना है और उसको प्रूफ करना है किसके बराबर, तो सिग्मा स्क्वायर के बराबर पे। तो ये कैसे प्रूफ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सैंपल मीन पहले मेरे पास दिखते हैं क्या सब है। सैंपल मीन मेरे पास ये था एक्स बार के फॉर्म में, ये 1 2 3 इस तरीके से, सॉरी ये था ये सब। तो मैं इसको पहले दोबारा से लिख रहा हूँ एक बार देखना आप लोग, जो पॉपुलेशन डेटा था 1 3 5 करके मैं दोबारा से लिख रहा हूँ इसको प्रूफ करने के लिए। हमारे पास जो पॉपुलेशन डेटा था वो कुछ इस तरीके से लिस्ट, सॉरी था 1 3 5। इससे जो हम लोगों ने सैंपल निकाला था वो क्या सब निकाला था, जो लिस्ट सैंपल किया था वो इस तरीके से किया था 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 1 5 या 5 तो इसको बोल सकते हो आप, 5 1 5 3 एंड 5 5। आपको क्या बोला कि सैंपल वेरिएंस का एक्सपेक्टेशन निकालो जो कि सिग्मा स्क्वायर के बराबर हो। तो ये आपके पास अलग अलग सैंपल दिया गया है, सबसे पहले आपको यहां से एस स्क्वायर निकालना है। जब मुझे सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे एक्स बार निकालते थे। तो एक्स बार मेरे लिए एक रैंडम वेरिएबल होता था और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया एक्स का एक्सपेक्टेशन निकाला। तो यहाँ पे मेरा एक्स बार रैंडम वेरिएबल है, मतलब सैंपल मीन एक रैंडम वेरिएबल है। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा सैंपल वेरिएंस एक रैंडम वेरिएबल होगा। तो मुझे हर एक सैंपल का सबसे पहले सैंपल वेरिएंस निकालना है। तो जैसे कि लेट सपोज मेरे पास पहला सैंपल है 1 1, तो अगर मुझे 1 1 का वेरिएंस निकालना हो तो 1 1 मेरे पास एक सैंपल लेट सपोज ये वाई है जिसका मेरे पास दो डेटा है 1 1, इसका मुझे वेरिएंस निकालना हो तो कैसे निकलेगा y माइनस में y बार का स्क्वायर। ओके तो पहले मैं y माइनस में y बार निकाल लेता हूँ। सबसे पहले y बार क्या होगा इसका, तो 1 + 1 2 और 2/2 y बार इसका 1 ही होगा। तो 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 0 और फिर 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 0, तो ये बेसिकली 0 आ जा रहा है। यहाँ से वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ y माइनस में y बार का स्क्वायर अपॉन में n माइनस में 1, ये 0 आया और n मेरा क्या है 2, तो 2 माइनस में 1 1, 0/1 0। तो 1 1 का जो वेरिएंस आएगा वो 0 आएगा। सिमिलरली 1 3 का जब मैं वेरिएंस निकालूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 एंड 3, लेट सपोज मेरे पास ये एक वाई है और इसका मुझे वेरिएंस निकालना है, ये कैसे निकलेगा। तो मैं पहले तो वाई बार निकाल लूंगा इसका, वाई बार क्या आएगा 3 + 1 4/2, ये बेसिकली 2 आ जाएगा। तो 1 माइनस में 2 माइनस 1 का स्क्वायर विच इज 1, 3 माइनस में 2 1 का स्क्वायर विच इज 1। तो अब इसको जब मैं एस स्क्वायर के फॉर्म में सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मेरे पास 2 आ जा रहा था, 2 अपॉन में 2 माइनस 1 जो कि अब मेरे पास आ जाएगा 2 ओनली, तो इसका वेरिएंस आएगा 2। तो सबसे पहले जो मैंने दो डेटा का वेरिएंस निकाला है, किसी को डाउट है इसमें। एनीवन इस दो डेटा का वेरिएंस में किसी को डाउट है किस तरीके से ये वेरिएंस निकला है। मेरे पास एक सैंपल था 1 1 का और इसका मैंने वेरिएंस निकाला बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। यस राधिका बोलो। सर एक बार ये फिर से बता दीजिए। ठीक है लेट अस सपोज मैं आप तीसरा लेट अस सपोज मेरे पास तीसरा सैंपल है 1 5, तो मेरे पास मैंने लिखा कि एक 1 5 का मेरे पास सैंपल है जिसको मैंने वाई मान दिया। अब मुझे इसका वेरिएंस निकालना है, कैसे निकालूंगा। तो मुझे वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है,
समेशन ऑफ वाई माइनस में वाई बार का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस वन। तो इस डेटा में एन का काम कर रहा है टू, वाई बार निकालेंगे कैसे, 5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास 3 आ जाएगा। यहां से वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर निकालूंगा तो 1 - 3 मतलब 1 - 3 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 4 आएगा, और 5 - 2 सॉरी 5 - 3, 5 - 3 मतलब 2 का स्क्वायर 4। तो वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया, 8 आ गया। तो अब मैं इसको पुट करूंगा इस फॉर्मूला पे, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर मेरे पास 8 आया है, स्मॉल एन की वैल्यू मेरे पास 2 है, माइनस में 1, तो 8 अपॉन में 1 बेसिकली 8 आ जाएगा। तो मेरे पास दिए गए तीसरा सैंपल का जो आएगा वो 8 आएगा। क्लियर, यस सर, सैंपल वेरिएंस। सिमिलरली आप ध्यान से देखो, लेट सपोज मैं इसकी बात करता हूँ, 3 1 3 1 एक मेरा सैंपल है और इसका मैं वेरिएंस निकालना चाहता हूँ। 3 1 का मीन क्या होता है, 2 होता है। तो वेरिएंस निकालने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक डेटा में से मीन का माइनस करके उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 - बेसिकली 2 - 1 - 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो 1 + 1 2 और 2 डिवाइड बाय 1, तो इसका जो आएगा वो आएगा बेसिकली 2 आएगा। जब तो आप सॉल्व करोगे तो इसका 2 ही आएगा। आप चेक कर सकते हो कैसे आएगा 2। तो 3 1 मेरे पास ये डेटा है, जब लेट सपोज ये एक जेड है, जब आप जेड बार निकालोगे तो 3 + 1 4 डिवाइड बाय 2, तो ये बेसिकली 2 आ जाएगा। तो जेड माइनस में जेड बार का स्क्वायर निकालोगे तो 3 - 2 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 - 2 - 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा। इन सब का एडिशन 2 आ जाएगा, और जब पुट करोगे आप एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ जेड माइनस में जेड बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन वाले फॉर्मूला पे, 2 अपॉन में 2 - 1, इसलिए 2 अपॉन में 1 2 आ जाएगा। तो आई होप हर एक डेटा का वेरियंस निकाला समझ में आ गया सबको। क्लियर है सभी को कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आप सिंपली जो 3 3 का वेरिएंस आएगा वो क्या आएगा, 3 3 का पहले मीन निकालेंगे तो वो 3 आएगा, 3 + 3 डिवाइड बाय 2 तो 3 आएगा। अब 3 - 3 0 और 3 - 3 0 बेसिकली देखोगे तो इसका 0 ही आएगा, मतलब 1 1 का 0 आया था, तो 3 3 का भी 0 एंड 5 5 का भी 0। आप चेक कर लेना, 3 5 के लिए चेक करें तो 3 + 5 8 और 8 डिवाइड बाय 2 4, तो मीन आया 4। वेरिएंस निकालने के लिए 3 - 4, 3 - 4 होता है -1 - 1 का स्क्वायर 1, 5 - 4 1 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 डिवाइड बाय 1, तो बेसिकली इसका 2 आ जाएगा। 5 और 1, 5 1 6 और डिवाइड बाय 2, तो बेसिकली इसका मीन आएगा 3। तो 5 - 3 2 का स्क्वायर 4, 1 - 3 - 2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 + 4 8 डिवाइड बाय 1, तो इसका 8 आएगा। आप चेक कर लेना, 5 + 3 फिर से 8 8 डिवाइड बाय 2 4 आ गया, 5 - 4 तो 1, 3 - 4 इसका बेसिकली 2 आएगा। आप चेक कर लेंगे इस तरीके से आपके पास वेरिएंस आएगा। तो अब जो है आपके पास वेरिएंस एक रैंडम वेरिएबल है, अब मैं यहां से लिख रहा हूँ नीचे, वेरिएंस आपका एक रैंडम वेरिएबल है जो क्या सब वैल्यू टेक कर सकता है, या तो जीरो या तो 2 या तो 8। तो 0 2 8 में लिख रहा हूँ यहाँ, वेरियंस कैन टेक वैल्यू 0 2 8। इसके क्रॉसपॉन्ड में मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी 0 देखते हैं कितनी बार 0 है। तो 0 है मेरे पास 1 2 3 बार 0 है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे 3 अपॉन में 9, 3 अपॉन में 9 क्यों, क्योंकि टोटल नंबर मेरे पास 9 है, देख लो 1 2 3 4 9 डेटा है, तो 9 मेरे पास वेरियंस आया होगा, तो 3 बाय 9। सिमिलरली जब आप 2 चेक करोगे तो वो भी आपको 3 मिलेगा, तो ये भी 3 बाय 9 आएगा, ये भी 3 बाय 9 का, इस सबका टोटल 1 आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस स्क्वायर इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एस स्क्वायर, जो सिंपल फॉर्मूला होता है, ये 0 हो जाएगा, ये 6 बाय 9, ये 8 3 जा 24 बाय 9, देखा जाए तो ये आ गया मेरे पास 30 बाय 9। तो ये आ गया 30 बाय 9, इसको सॉल्व करोगे 3 10 जा 30 3 3 जा 9, तो आपके पास बेसिकली 10 बाय 3 आ गया। सर चलिए इसमें सर 2 बाय 2 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4 बाय 9 नहीं होगी, टू मेरे पास 4 है, एक बार चेक कर ले, और 8 2 बाय 9 एट, का। हाँ चलो मैंने चेक नहीं किया, सही है ठीक है, ये बेसिकली 4 है और ये 2 है, 4 बाय 9 2 बाय 9, ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपके पास, 4 2 जा 8 बाय 9 16 बाय 9 और 16 बाय 9, और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 24 ट्वेंटी बाय 9। फोर अब यहां से आप जब इसको सॉल्व करोगे
24/9, 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9, तो 8/3 आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपका सिग्मा स्क्वायर भी यही आया। तो अगर आपके क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ये बोल दे कि आपको ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहले आपका जो लिस्ट किया था आपने सैंपल, उससे उसका पहले वेरिएंस निकालना पड़ेगा, और वो वेरिएंस आपका रैंडम वेरिएबल होगा, उसके क्रॉसपॉन्ड में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद आगे बढ़ना है। किसी को डाउट है इसमें एनीवन? और मैं एक वाई सवाल बार कैसे निकाल, आपको पक्का आता है, दोबारा बोलो करण। यस, किसी ने डाउट पूछा था, क्या था वो डाउट? यस सिद्धार्थ बताओ। सर वाई बार कैसे निकाल रहे हैं? वाई बार ये वाला? हाँ, सिंपली रिफ्लेक्टर से बोल देना, मेरे पास एक सैंपल ये है, ये पहला सैंपल है, ठीक है? ये सैंपल क्या था मेरा, 1 1 था, इसको मैंने वाई मान लिया कि वेरिएबल है, समझने के लिए आप। तो अब बताओ मुझे इसका सिंपली मीन निकालना होगा, कैसे निकालूंगा मैं? इन दोनों को ऐड करूंगा और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसको डिवाइड कर दूंगा, 1 + 1 2/2, तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा। सिमिलरली जैसे यहाँ पे 1 और 3 था, तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 है, 4/2, तो मेरे पास 2 आ जाएगा। और इसी 2 का यूज मैंने किया था, तो 1 - 2 - 1 का स्क्वायर 1 आया था, 3 - 2 1 का स्क्वायर 1 आया। क्लियर सिद्धार्थ? सिद्धार्थ क्लियर है? ऑसम। ओके, चलो। तो ये आपके पास आ गया। तो यहां से ना मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, जो अभी तक हम लोगों ने एक चेक किया था, वो ये है कि स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला होता है, बेसिकली सैंपल, बेसिकली इस तरीके से बोल सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन, उसका जो फॉर्मूला होता है वो दो फॉर्मूला हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? या तो उसका फॉर्मूला हो सकता है सिग्मा अपॉन में अंडर रूट एन, और या तो उसका फॉर्मूला हो सकता है सिग्मा अपॉन में अंडर रूट एन और कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन में एन माइनस में 1। ये कब होगा? जब आपके पास विथ रिप्लेसमेंट दे रखा हो, और ये कब होगा? जब आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट दे रखा। ये अभी हम लोगों ने क्या किया है, प्रूफ कर दिया है। अब ध्यान से देखो, अगर मेरा क्वेश्चन साइलेंट है, तो ध्यान से आपको जहां लिखना हो लिख लो, अगर मेरा क्वेश्चन साइलेंट है पेपर में, तो मैं क्या करूंगा, विथ रिप्लेसमेंट का केस लेके चलूंगा, ठीक है? लिखना, मैं लिख देता हूं, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, वी विल यूज विथ रिप्लेसमेंट वाला केस। और अगर एक और कंसेप्ट है, इफ जो आपका स्मॉल एन है, मतलब सैंपल साइज, वो बड़ा हो 5% ऑफ कैपिटल एन के, तो इस केस में आपको विदाउट रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट लेके चलना है, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि अगर आपका एन, स्मॉल एन बड़ा हो 5/100 × n, कैपिटल एन, जहां पे कैपिटल एन आपका क्या है, पॉपुलेशन का साइज, स्मॉल एन सैंपल का साइज। तो अगर स्मॉल एन बड़ा हो 5% ऑफ कैपिटल एन से, तो विदाउट रिप्लेसमेंट, क्वेश्चन साइलेंट हो, और अगर इस तरीके का कोई रूल नहीं लग रहा हो, तो आप विथ रिप्लेसमेंट का यूज करोगे। तो ये आपको दो चीजें याद रखनी है। किसी को डाउट है एनीवन? क्लियर है सभी को? डाउट है तो पूछ लो। सर तो फर्स्ट वाली कंडीशन अभी लेनी है ना, जब कैपिटल एन के 5% से कम हो। फर्स्ट वाला कंडीशन, सर फर्स्ट वाली कंडीशन तभी लेनी है ना, जब कैपिटल एन के 5% से कम हो स्मॉल एन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मान लो क्वेश्चन साइलेंट है, और हमारे पास अब ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट लेना है या विथ रिप्लेसमेंट लेना है। तो आप सबसे पहले ये चेक करोगे कि आपका जो स्मॉल एन सैंपल साइज, वो कैपिटल एन के 5% से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो आप ये चीजें लिखोगे, और लिखोगे बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट, जो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं ये मेरा विदाउट रिप्लेसमेंट है। अगर ऐसा नहीं है तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि वी आर अज्यूमिंग विथ रिप्लेसमेंट।
चलो, तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट एक बेसिक कंसेप्ट मेरे पास क्या, वैसे आपको बुक में डायरेक्टली मिलेगा नहीं ऐसा, बट फिर भी समटाइम्स दैट इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले से बता दिया कि लेट अस सपोज लेट दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल 10,000 स्टूडेंट्स हैं ऑफ इको ऑनर्स का, और एक राजधानी कॉलेज है जिसके अंदर में 1,000 स्टूडेंट हैं ऑफ इको ऑनर्स का। तो मुझे अगर राजधानी कॉलेज का प्रोपोर्शन निकालना हो तो जो प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, 1,000/10। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास प्रोपोर्शन आ जाएगा, एक परसेंटेज फॉर्म का ही कंसेप्ट और कुछ नहीं है। तो इसके बिहाफ पे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सपोज अभी आपने सब कुछ पढ़ा सैंपल के बेसिस पे कि सैंपल मीन था डेटा था ये सब, मान लो क्वेश्चन में ना सैंपल के जगह पे प्रोपोर्शन बोलता फाइंड आउट करने के लिए, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बोल देता। आपके पास एक क्वेश्चन है इस तरीके से दे रखा है, लेट सपोज कि पॉपुलेशन यूनिट ये है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये ना बल्ब है, मान लो ये बॉल है इस तरीके से मैंने लिखा, और सारे बॉल पे नंबरिंग किया हुआ है। तो देखा जाए तो मेरे बॉक्स के अंदर में कितने बॉल है पॉपुलेशन के अंदर में, तो एन की वैल्यू वो क्या है, 6 है। तो टोटल बॉल 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें ना कुछ आपको दे रखा है डिफेक्टिव बल्ब, या बॉल लिख लो सिंपली, वो कुछ इस तरीके से है। जो डिफेक्टिव बॉल है वो ये है, 2, 4 एंड इस तरीके से 1, 2, 4, 6 ले लो, 1, 2, 4, 6 नंबरिंग, जिस जिस बॉल पे ये नंबरिंग है 1, 2, 4, 6 वो डिफेक्टिव बॉल इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले पार्ट में आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव बॉल। सेकेंड पार्ट में आपको बोला गया हाउ मेनी सैंपल ऑफ साइज फाइव कैन बी ड्रॉन यूजिंग विदाउट रिप्लेसमेंट आल्सो लिस्ट देम। ओके, तीसरे पार्ट में आपको क्या बोला, इसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। सैंपल प्रोपोर्शन, सैंपल मीन चल रहा था, सैंपल प्रोपोर्शन मीन अ सिंगल पैरामीटर, और प्रोपोर्शन भी एक सिंगल पैरामीटर है। एंड फोर्थ पार्ट में आपको बोला है कि सो दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ पी, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन जो होगा वो कैपिटल पी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बराबर होगा, एंड सिग्मा पी ऐसे आप लिख लो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जो सैंपल प्रोपोर्शन होगा वो किसके बराबर होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, कैपिटल पी 1 माइनस में कैपिटल पी अपॉन में स्मॉल एन, कैपिटल एन माइनस में स्मॉल एन अपॉन में कैपिटल एन माइनस में 1। ये आपको प्रूफ करने के लिए बोला। तो क्वेश्चन सेम पहले जैसा ही लग रहा है, बस मीन के जगह पे यह कंसेप्ट प्रोपोर्शन का आ चुका है बस, और कुछ नहीं है। सबसे पहले पार्ट में अगर हम इसको सॉल्यूशन करें, सबसे पहले पार्ट में बोला आपको पॉपुलेशन प्रोपोर्शन निकालो डिफेक्टिव बल्ब का। टोटल बल्ब हमारे पास 6 है, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 4 है, ये 4/6 हमारे पास का आ गया पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आ जाएगा, जिसको आप 2/3 बोल सकते हो। किसी को डाउट है इसमें, एनीवन? पहले पार्ट में किसी को डाउट है कैसे निकला ये प्रोपोर्शन? ओके चलो, अब आते हैं दूसरे पार्ट में। बोला कि दिए गए पॉपुलेशन यूनिट से जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, आपको 5 5 के सैंपल बनाने हैं। तो बेसिकली एन आपके पास कितने हैं, 6 है, और आपको स्मॉल एन 5 5 के सैंपल बनाने हैं, तो कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट? तो जो नंबर ऑफ वेज होगा, इफ यू ऑल एग्री, एन सी एन 6 C5 जो कि 6 आएगा, तो टोटल 6 वेज होंगे 5 5 बॉल के। एग्री करते हो सारे? यहां तो किसी को डाउट?
अब बोला इसको लिस्ट करने के लिए, कैसे लिस्ट करेंगे? तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉम्बिनेशन दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मैंने लिया एक तो 1 2 3 4 5, एक मेरे पास ये कॉम्बिनेशन आ गया, एक 1 2 3 4 6, एक ये कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है। उसके बाद एक तो 1 2 4 5 6, एक ये कॉम्बिनेशन आ गया। उसके बाद एक तो 1 3 4 5 6, एक ये कॉम्बिनेशन आ गया। और एक मैं लिखता हूँ 1 2 3 5 6, और एक करते हैं 2 3 4 5 6। इसके अलावा देखो कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है इसको लेकर, कुछ भी लोगे तो आपके पास कोई ना कोई नंबर रिपीट, मतलब कोई ना कोई आपके पास जो सैंपल है वो रिपीट हो ही जाएगा। तो यही 6 सैंपल होंगे जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, क्लियर है? आगे बढ़े फिर, या एक बार आप ट्राई करना चाहो कर लो कि किसी भी एक सैंपल को लेकर कि सर ऐसा भी हो सकता है 3 2 4 5 6। अगर आप लेते हो 3 2 4 5 6, मान लो आपके मन में आया कि सर एक 3 2 4 5 6 हो, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो 3 2 4 5 6 कहीं ना कहीं आ चुका होगा। देखो यहाँ पे 3 2 इसमें नहीं है, 3 2 4 5 6 ना, एक बार चेक करें, थ्री सर टू लास्ट वाले में, लास्ट लास्ट वाले वाले में ही है, लास्ट वाले में ही है, तो वो आ चुका है पहले से। तो इस तरीके से रिपीटेशन आपको नहीं लेना है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि क्या लॉजिक है इसका। अब मेरे पास ये लिस्ट हो चुका है, अब आपको बोला कि इसी का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए। तो कहने का मतलब ये है तीसरे पार्ट के लिए कि जो मेरा स्मॉल पी है वो क्या सब हो सकता है वो देखते हैं पहले। स्मॉल पी इज नथिंग बट अ सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। अगर आपने पॉपुलेशन निकाला है डिफेक्टिव बल्ब का, अगर आप पॉपुलेशन प्रोपोर्शन निकाल रहे हो डिफेक्टिव बल्ब का, तो जो सैंपल प्रोपोर्शन होगा वो भी डिफेक्टिव बल्ब का ही निकालना है आपको। तो स्मॉल पी क्या रिप्रेजेंट करता है? सैंपल प्रोपोर्शन, सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है। तो आप देखते हैं सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या सब निकलेगा। मेरे पास अगर थोड़ा सा इसको देखें तो जो डिफेक्टिव वॉल था वो क्या सब था, 1 2 4 6, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 4 6, 1 2 4 6 कुछ इस तरीके से। अब मुझे पहले सैंपल में बताओ कि टोटल बॉल आपके पास कितना है, 5, यही करते, टोटल बॉल 5 है ना आपके पास, जिसपे नंबरिंग है 1 2 3 4 5, इसमें से यस कितने बॉल आपका डिफेक्टिव है, कौन कौन सा बॉल? थ्री तो 1 2 4 एक तो 1, एक तो 2, एक तो 4, तो 3 बॉल डिफेक्टिव है। तो पहले का जो प्रोपोर्शन है वो क्या आएगा, 3/5। दूसरा सैंपल मेरे पास ये है, 5 सैंपल है, 5 बॉल है, जिसमें डिफेक्टिव कौन कौन सा है, 1 2 4 6, मतलब 4 डिफेक्टिव बॉल है। तीसरा सैंपल मेरे पास ये है जिसमें डिफेक्टिव कितना है, तो 4 डिफेक्टिव है, जिसको मैं लिखता हूँ 4/6, सॉरी 4/5 ना, 5/5 चल रहा है, 4/5, 4/5 ये लेकर चलते हैं। तो मेरे पास डिफेक्टिव बॉल कितना है इसमें, 1 4 एंड 6, 3 डिफेक्टिव है, तो 3/5, इसको लेके चलते हैं, 1 2 एंड 6, 3 है, तो 3/5, इसको देखेंगे तो 2 4 6, तो 3/5। तो ये आपके पास क्या आया, सैंपल प्रोपोर्शन, जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो कि क्या सब सैंपल प्रोपोर्शन कैन टेक वैल्यू कौन सा, एक तो 3/5 और एक तो 4/5। तो आप, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सैंपल प्रोपोर्शन एक रैंडम वेरिएबल है जो कि या तो 3/5 हो सकता है या तो 4/5 हो सकता है। अब इस सैंपल प्रोपोर्शन का मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, तो 3/5 कितने होंगे, टोटल मेरे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कॉम्बिनेशन है, जिसमें 3/5 1 2 3 4 बार आ चुका है, तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी, 4/6। सिमिलरली 4/5 का फिर 2/6, इन सबको ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। किसी को डाउट है? अब अगर ये समझ में आ गया तो मैं आपको फोर्थ पार्ट आपको बता रहा हूँ। फोर्थ पार्ट में क्या बोला कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन ये इक्वल होना चाहिए किसके, कैपिटल मतलब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
समेशन ऑफ पी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, तो हम लोग कर लेते हैं एक बार, पी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ पी जो कि क्या आएगा, 3 4 12 by 30 एंड 4 2 8 by 30 विच इज नथिंग बट 20 by 30 जो कि क्या आ जाएगा 2 by 3, 2 by 3, आई होप ये कैपिटल पी के बराबर था, हैंस प्रूव्ड। सिमिलरली अब मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन निकालना है, तो पहले मैं वेरिएंस निकाल लेता हूँ सैंपल प्रोपोर्शन का, तो वो कैसे निकलेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन का स्क्वायर, इसको निकालने के लिए मैं ये निकाल लेता हूँ पहले तो पी स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, जिसको मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 36 by 30 और 832 by 30, तो ये आपको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 68 by 30, इसको पुट कर दे यहाँ, 68 by 30 माइनस में ये है 2 by 3 ना, तो 2 by 3 का स्क्वायर 4 by 9, 30 और 9 इसका एलसीएम कोई ले लो, सर बताओ सर ये डिनोमिनेटर में 30 150 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 3 by 5 into 12 by 13। 13 में। चलो ठीक है, थैंक यू, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है मेरे से यार, 150। चलो तो फिर यहाँ पे 150 लिखना पड़ेगा मुझे, और 150 और 9 कैल्सियम अगर आप लोगे तो ये 450 से काम बन जाएगा आपका, 150 और 450 देखा जाए तो 3 बार में, और 68 हटा इंटू में 3 204, और 9 450 15 बार में, लो चुप तो बेसिकली आ जाएगा 60। नहीं हो सकता, बेसिकली मत बोल, प्लीज वैसे समझ ले यार एक बार में। जितनी ओके एक बार ये चेक कर लेना सभी सारे, ये सही है, फोर अपॉन में 450 सभी का यही आया। यस सर, ओके तो दिस इज द बेसिकली वेरियंस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन, तो अब जब आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन निकालोगे तो वो आ जाएगा अंडर रूट 4 अपॉन में 450, जिसको आप इस तरीके से बोल सकते हो बेसिकली 2 अपॉन में अंडर रूट 450, इसको आप चाहो तो सॉल्व कर लेना, या फिर इसको ऐसे करें बेसिकली 2 2 4 एंड 225, तो बेसिकली 2 अपॉन में 225। अब इसको अगर आप देखोगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन में 50। अब हम लोग देखते हैं हमारा टू प्रूफ क्या है, हमारा टू प्रूफ है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन होगा विच इज सिग्मा पी, वो इक्वल होगा किसके, वो इक्वल होगा आपके स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल पी 1 माइनस में कैपिटल पी अपॉन में स्मॉल एन, कैपिटल एन माइनस में एन अपॉन में कैपिटल एन माइनस में 1। तो हम लोग क्या करेंगे, आर एच एस से स्टार्ट करेंगे, तो क्या है हमारे पास, कैपिटल पी 1 माइनस में कैपिटल पी अपॉन में स्मॉल एन, कैपिटल एन माइनस में स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन माइनस में 1। तो आप इसको जब आप पुट करोगे इसकी वैल्यू, तो कैपिटल पी मेरे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कितना था बेसिकली हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया था 2 by 3 था, यहाँ मैं लिखता हूँ 2 by 3, 2 by 3 1 माइनस में 2 by 3 ऑल अपॉन में एन, एन मेरे पास कितना है, तो एन मेरे पास था 5, और इसके बाद यहाँ पे अगर करते हैं तो 6 माइनस में 5 अपॉन में 6 माइनस में 1, इसको सॉल्व करें थोड़ा तो 2 by 3, 1 माइनस 2 by 3 बेसिकली 1 by 3 आ जाएगा, 1 by 3 और इंटू में 1 by 5, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 5। थोड़ा और सॉल्व करोगे तो सर 1/3 2 अपॉन होगा में, ना ब्रैकेट में। हाँ अच्छा ये वाला ना, सर, ओके 3 3 9, 9 5 45, 45 इंटू में 5 ये आ जाएगा 225 स्क्वायर रूट अपॉन में 50, जो कि आपके किसके बराबर है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के, हैंस प्रूव्ड। तो अगर आपके पास प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन आ जाए तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहां से सेम मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं फिर से, कि जो
बेसिकली स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन होगा, जिसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो। उसके दो फॉर्मूला हो सकता है, या तो वो ये होगा कैपिटल पी वन माइनस में कैपिटल पी अपॉन में स्मॉल एन, और या तो वो ये होगा कैपिटल पी वन माइनस में पी अपॉन में स्मॉल एन फिर स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस में स्मॉल एन अपॉन में एन माइनस में वन। ये कब होगा? ये होगा विथ रिप्लेसमेंट के केस में, और ये कब होगा? ये होगा विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में, विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में। मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताता हूँ, ये पता ये क्या चीज है, ये इसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। मैं लिख देता हूं यहाँ पे फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, जो कि क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस में स्मॉल एन अपॉन में एन माइनस में वन। अब ये क्या कंसेप्ट है, आपने क्या देखा कि सैंपल का यूज हम कब करते हैं? या तो मेरे पास पॉपुलेशन बहुत बड़ा हो, उस टाइम पे हम सैंपल के हेल्प से पॉपुलेशन को डिनोट करते हैं, या तो मेरे पास पॉपुलेशन छोटा भी होता है, बट फिर भी मुझे एक टाइम सीरीज, एक बेसिकली एक जनरेशन का मुझे बस डेटा चाहिए, तो मैं वो डेटा निकालता हूँ। तो जब भी आपके पास जो पॉपुलेशन डेटा है वो फाइनाइट हो, मतलब जिसकी अपर बाउंड आपको पता हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था 1990 से लेकर 2024 तक का, तो मुझे अपर बाउंड पता था कि वो स्टार्टिंग 1990 से हुआ था। तो जब भी आपके पास एक पॉपुलेशन डेटा है और वो फाइनाइट है, इसका अपर बाउंड मुझे पता हो, तो उसका मैं क्या कर निकाल सकता हूँ, तो पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर निकाल सकता हूँ। अब ये पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर निकालने का क्या लॉजिक है कि समटाइम्स अगर मान लेते हैं कि एक लेमैन बेसिकली सिंपल आदमी के अनुसार आप सोचो कि आपके पास ना पूरा पॉपुलेशन रखा हुआ है और आप उस पॉपुलेशन से एक मीन निकाल रहे हो, और आप एक सैंपल से मीन निकाल रहे हो, तो एक नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा कि जो पॉपुलेशन से मीन आएगा वो बेटर होगा इन कंपेयर टू सैंपल के मीन से। लेकिन सपोज ये मैं कह रहा हूँ, मान लो कि ये मेरे पास पॉपुलेशन है, ठीक है, और ये फाइनाइट है, और ये किसी तरीके का टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ना ही किसी तरीके का जनरेशन गैप है। मैंने क्या किया, थोड़ा सा मेहनत कम करने के चक्कर में मैंने इस पूरे को समराइज नहीं किया, मतलब पूरे डेटा को लेकर मीन मीडियन नहीं निकाला, मैंने इसमें से एक सैंपल निकाल लिया और इसका मीन मीडियन निकालकर, और तब मैं बोल रहा हूँ कि जैसा ये परफॉर्म करेगा ना वैसा ये ही परफॉर्म करेगा। लेकिन इसका मीन अगर निकालते, ये जो मुझे बताता और ये जो मुझे बता रहा है, दोनों में तो फर्क होगा, क्योंकि ये मुझे सबसे बेस्ट चीज बताएगा क्योंकि इसमें पूरा का पूरा पॉपुलेशन कैरी कर रहा है। लेकिन सिंस मेरा जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है, जो मेरा जो बेसिकली सिंप्लीफिकेशन है वो ज्यादा टफ ना हो, तो मैंने क्या किया एक सैंपल ले लिया और इसी के हेल्प से मैंने इसको क्या किया एस्टिमेट किया। तो सिंस इन दोनों के बीच में जो एरर आएगा वो, उस एरर को कम करने के लिए मैं सैंपल मीन में, एक सैंपल मीन वर्ड यूज ना करके मैं सैंपल पैरामीटर यूज करता हूँ, क्योंकि सैंपल मीन मीडियन मोड प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है। तो सैंपल पैरामीटर में मैंने एक पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर ऐड कर दिया, दैट इज एन माइनस में स्मॉल एन अपॉन में एन माइनस में वन। इससे क्या होगा कि इनके बीच का जो एरर होगा वो कम हो जाएगा। तो समटाइम्स अगर एग्जाम में आपसे एग्जामिनर एन और स्मॉल एन दे दे और बस पूछे कि मुझे बताओ कि पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर क्या होगा, तो आपको ये फॉर्मूला को यूज करना है। क्लियर है सभी को? यस एनीवन किसी को डाउट? तो अगर आपको यस यहाँ तक समझ में आ गया तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। आज की क्लास में हमने क्या देखा, बेसिक सैम्पलिंग किसको कहते हैं, सैम्पलिंग का नोटेशन देखा, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने देखे। इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पेपर में आपका आएगा 10 मार्क्स का, वो फिक्स्ड है। आप लास्ट ईयर के 20 साल के पेपर देख लो, जब भी स्टैट्स आप देखोगे सैम्पलिंग जल जाओ इस सिलेबस में, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब सैम्पलिंग का ही एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पे CLT सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड एन नंबर ऑफ टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। यस कृतिका बताओ क्या सर डाउट है आपका आपको? स्क्रीन नीचे थोड़ा सा, सर ओके एक और बोलो बार ठीक सर, सर वो है। अच्छा क्वेश्चन किया था ना आपने लास्ट पार्ट, मुझे वो देखना है। लास्ट पार्ट में भी हाँ जी सर, यहाँ पे आपने स्मॉल एन लिखा है, एक सेकेंड एक सेकेंड, सर ठीक है आ गया सर। ठीक है, समझ में आ गया। ओके यस सर, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहता है एनीवन? ठीक
आई होप आपको आज का सर क्लास समझ में आया होगा। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ यस बोलो। पूछ रहा था कि जैसे जो भी स्टैट्स में चैप्टर हो रहा है, क्योंकि स्टैट्स का कोई डिफिकल्टी भी इस बार पेपर आया था, डिवोर के लेवल से थोड़ा सा सर ऊपर ही था, फिर तो आपने डिबोर प्रीवियस पूरा ईयर सॉल्व क्वेश्चन किया सर था? मैंने लास्ट का चैप्टर उतना सर नहीं किया था, थर्ड तक तो किया ही था सर। ओके देखो, पूछा था कि पीवाईक्यू पहले मंगवा के चैप्टर वाइज बनाते जाओ, उसको सॉल्व करना सही अप्रोच है ना? वो भी सही अप्रोच है, लेकिन देखो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो जो मैंने बुकलेट आप लोगों को आप लोग साथ प्रोवाइड करूंगा इफ यू आर कंटिन्यू विथ मी, तो उस बुकलेट के अंदर में जो है जो भी क्वेश्चंस मैं दूंगा, सेमेस्टर वन में क्या था कि जो मैंने बुकलेट प्रोवाइड किए हुए थे उसमें भी कई सारे टॉपिक में थे पास्ट ईयर के क्वेश्चन और कई सारे में नहीं भी थे। इस बुकलेट के अंदर में जिस लेटर मैंने सैम्पलिंग का आपको एक चैप्टर प्रोवाइड किया है, इसमें जेएल डिबोर के भी क्वेश्चन होंगे एंड पास्ट ईयर सारे क्वेश्चन भी होंगे। तो आप इस बुकलेट को भी सॉल्व कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली पास्ट ईयर के भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। तो आप चाहो तो शुरुआत से भी सॉल्व कर सकते हो और आप चाहो तो एंड में भी। मान लो कि पेपर से एक महीना पहले आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आप पूरा फोकस आप क्या कर रहे हो पास्ट ईयर पे कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, मैंने पेपर देखा है, पेपर आपके जेएल डिबोर से हाई लेवल का नहीं था। अगर आप जेएल डिबोर का सारे क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप एक अच्छा बेसिकली प्रैक्टिस कर चुके हो। जेएल डिबोर जिसने अच्छे तरीके से कर लिया है उसका पेपर में क्वेश्चन बनना वो फिक्स है। पेपर में इस बार स्टैट्स का पेपर क्यों बच्चा का छूटा मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने कई सारे टॉपिक को रट्टा मारा, रट्टा मारा इन द सेंस कि अगर मेरा एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा तो ऐसे 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 करके सॉल्व कर लेंगे, अगर मेरा एक्स पॉइजन को फॉलो करेगा तो ऐसे ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये नहीं देखा कि जो एक्स नॉर्मल को फॉलो करेगा या एक्स जब मेरा पॉइजन को फॉलो करेगा तो इसके पीछे रीजन क्या होगा, इससे अप्लीकेशन क्या बन सकता है, मतलब कब मेरा एक्स नॉर्मल को फॉलो करेगा कब मेरा एक्स पॉइजन को फॉलो करेगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे थोड़ा बच्चा फोकस कम किया। दैट्स व्हाई आप लोग फंस गए। आप लोगों के क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा नहीं एग्जामिनर, उसने क्या किया एक अप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया और उसके बाद आपको उसको सॉल्व करना था। तो आप क्या आपका जो मेन काम क्या होना चाहिए इस सेमेस्टर के लिए कि आप चीजों को अच्छे तरीके से समझो, बेसिक अच्छे तरीके से समझो और उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्लियर आशुतोष? राइट सर, थैंक यू सर। सर सर यस तो लास्ट सेमेस्टर में मैंने आपकी बुकलेट तो पूरी की थी, मतलब मैंने जेएल नहीं करी, जेएल डेवोर नहीं करी थी, बस बुकलेट करी थी। तो सर बुकलेट इनफ नहीं है इस सेमेस्टर के लिए? नहीं, देखो बुकलेट आपने की थी, बुकलेट भी एनऑफ है बेसिकली। लेकिन क्या था कि मैंने जैसा कि अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि बेसिक चीजें, इस बार जो पेपर आपका था ना वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछकर उन्होंने क्या किया था कुछ थ्योरी लिखा अप्लीकेशन बेस्ड लिखा उसके बाद सॉल्व किया। तो बच्चों को इस बार क्वेश्चन छूटने का मेन रीजन यही था कि बच्चे कई सारे ऐसे थे जिनको बेसिक थोड़ा अच्छे से क्लियर नहीं था कि कब मेरा क्वेश्चन किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो पेपर के बारे में अच्छे तरीके से तो आपको सेट बी में प्रॉब्लम आया होगा, सेट ए में नहीं आया होगा। सर मेरे को तो पूरे पेपर में आया था। अच्छा तो फिर थोड़े अच्छे से किया नहीं होगा। लेकिन ज्यादातर बच्चों को सेक्शन बी में जिसको प्रॉब्लम आया उसका प्रॉब्लम जायज है, मैं उसका मान सकता हूँ। सेक्शन बी का जो पार्ट था वो थोड़ा अप्लीकेशन बेस्ड था, सेक्शन ए तो मेरे हिसाब से सही था। सर तो इन कंक्लूजन जेएल डिवोर करती है फिर नहीं जेएल सर? डिबोर करोगे, जेएल डिबोर करना है। वैसे बुकलेट करोगे तो एग्जाम पॉइंट वो भी से क्लियर है। इनक्लूजन यही है बेसिक कंक्लूजन कि कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ, बेसिक जितना अच्छा से आप समझ पाओ, मेन है बेसिक। ओके ठीक है राधिका, सर। आपने हैंडरेज किया हुआ था, कुछ डाउट था आपका? जी सर ये डाउट था, जैसे आपने इसमें दो फॉर्मूलेस बताए सर, एक में फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन लग रहा है, दूसरे में नहीं लग रहा है, तो सर उसमें क्यों नहीं लग रहा है कि दोनों सैंपल्स सैंपल के तो वो है? नहीं, एक एक में देखो विदाउट रिप्लेसमेंट है और एक में विथ रिप्लेसमेंट है, ठीक है? तो जब मेरा विदाउट रिप्लेसमेंट है तो मेरे पास जो सैंपल आ रहा है वो एक बेसिकली आप बोल सकते हो फाइनाइट नंबर में सैंपल आ रहा है, और मेरे पास अगर सैंपल फाइनाइट नंबर में है तो हम इससे अप्रोच कर सकते हैं कि जो मेरा पॉपुलेशन होगा ना वो भी एक फाइनाइट नंबर में होगा। करेक्शन जो मैंने आपको बताया, ये जो पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर है इसका कंसेप्ट तभी लगेगा जब मेरा पॉपुलेशन फाइनाइट हो, जब मेरा अपर बाउंड फिक्स्ड हो। तो आप मुझे एक बात बताओ कि आपके पास एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को आप विथ रिप्लेसमेंट के साथ देख रहे हो और विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ देख रहे हो, तो बताओ किस केस में आपके पास पॉपुलेशन डेटा सबसे कम दिखेगा, विथ या विदाउट? विदाउट विदाउट में, क्योंकि विदाउट में आपके पास डेटा लिमिट रहेगा जिसकी अपर बाउंड आपको पता होगी और नॉर्मल मतलब सिंपल डेटा होगा। दैट्स व्हाई विदाउट के केस में लगता है और विथ में नहीं लगता।
विथ रिप्लेसमेंट में ना आपने सारे पहले से सारे कॉम्बिनेशन पहले से ले लिया है, और कुछ कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप 1 2 और 2 1, तो 1 2 को ले रहे हो और 2 1 को छोड़ रहे हो, तो हो सकता है कि अभी जब सिंपल सा डेटा है 2 तो आप ठीक है, लेकिन जब ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर होंगे, मैं जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर होंगे, फिर 2 3 4 5 6 एंड 1 ऐसे नंबर होंगे, अब जब इससे जब मॉडल बनाओगे ना तो मॉडल डिफर करेगा, जब इसका आप मीन निकालोगे तो इसका भी मीन सेम आएगा, इसका भी मीन सेम आएगा, लेकिन जब इसके आप मॉडल तैयार करोगे तब देखना आप डिफर करें। जब आप बीटा मतलब आप जब सेमेस्टर 4 में ओएलएस एस्टिमेटर पढ़ोगे तो उस केस में जब मेरा बेसिकली आपने ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक चीज पढ़ा होगा, ऑर्डर मैटर और ऑर्डर डज नॉट मैटर, तो सम यही वाला सेम कंसेप्ट है कि समटाइम्स क्या होता है जब हम मॉडल तैयार कर रहे होते हैं तो वहां पे ऑर्डर भी मेरा मैटर करता है, अगर आपने ऑर्डर को चेंज किया तो इससे भी मेरा मॉडल में इम्पैक्ट पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई यह कांसेप्ट है विथ एंड विदाउट का, क्लियर? क्लियर राधिका, समझ में आया क्यों था? ओके यस करण बताओ। जी सर सर, जो सेम वन के जो टॉपिक सेम टू में यूज होंगे सर, वो आप अभी कराओगे या फिर हमें उसकी वीडियोस देखनी पड़ेंगी? सेम वन की जो टॉपिक जो सेम टू में यूज होंगे, जैसे लेट अस सपोज आज की क्लास में ऐसा कुछ लगा आपको कि सेम वन का टॉपिक यूज हुआ है और आपको नहीं आता, नहीं नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं लगा? लेकिन आज की क्लास में भी सेमेस्टर वन का कुछ टॉपिक यूज हुआ है, पता है आपको? जैसे आपने पॉपुलेशन मीन निकाला, सैंपल एविडेंस का मैंने जो फॉर्मूला निकाला, ये सब आपने सेमेस्टर वन में ही पढ़ा था, तो यस सर, कुछ टॉपिक ये थे जो कि अगर आपको नहीं आता, लेटर सपोज आपको डाउट आता तो मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखा है, वहां से आप उसको चेक करोगे, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली कोरिलेटेड है, तो पहले मुझे बताना ही होगा, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल वगैरह चेक करना नहीं आता आप लोगों को, तो मैं पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा कि हाँ आज जो है हमारा ये टॉपिक है और इस टॉपिक के लिए मुझे सेमेस्टर वन का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए, तो आपको मैं पहले बोलूंगा ये वीडियो को देख कर आओ और इसमें आपको सीख कर आओ, इसका कोई भी डाउट होगा तो पहले मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, तब जाके वो डेट फिर जाके आगे पढ़ेंगे बेसिकली, ओके सर, ठीक है? ओके मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी कि मतलब सेमेस्टर वन में मैंने क्या सर, सीखा क्योंकि या सेम वन वो, इतने अच्छे से पढ़ाई हुई नहीं ना सेम वन में, इसलिए। इसलिए मैंने पूरा दे दिया वीडियो पहले अपलोड कर दिया सेमेस्टर वन का पूरा, अगर आपके पास अभी टाइम है आप चाहो तो सेमेस्टर वन पूरा देख सकते हो एक्सेस लेने के बाद। और किसी कुछ पूछना है? एनीवन सर बताओ सुतोष। सर डीयू के जितने भी कॉलेज हैं, तो डीएससी का पेपर सबके लिए सेम ही आता है ना? बिल्कुल तो सर यहाँ पर अभी जो पासिंग क्राइटेरिया क्या होगी सर, अगर क्या एवरेज लिया जाएगा टॉप और लोएस्ट का? पासिंग क्राइटेरिया देखो, यूजी के लिए क्या होता है, यूजी के लिए पासिंग क्राइटेरिया फिक्स होता है आपको ना बेसिकली, वैसे पहले क्या था, इस बार सीबी यूजी सीएफ आ चुका है तो मे बी रूल चेंज हो गया हो, बट पहले तक क्या था कि आपको पहले एक्सटर्नल में 40% मार्क्स चाहिए था, मतलब 75 का 40% मार्क्स चाहिए था, अगर ये 75 का 40% मार्क्स ले आते हो तब जाके आपका इंटरनल ऐड होगा और तब जाके आपका सीजीपीए बनेगा, ये यूजी लेवल पे होता है। पीजी लेवल पे क्या होता है ना कि पीजी लेवल पे वो लोग एक तरीके से ना बेसिकली बोला जाए तो वो लोग स्टूडेंट को देखकर तब जाके पासिंग क्राइटेरिया को सिलेक्ट करते हैं, जैसे परसेंटाइल कंसेप्ट बेसिकली, जैसे कैट वगैरह का रिजल्ट निकलता है परसेंटाइल कंसेप्ट को यूज करते हैं वो लोग, लेकिन वो पीजी यस में सर, होता है, यूजी में एब्सोल्यूट परसेंट होता है जब मतलब फिक्स होता है कि हाँ 45% पहले आपको लाना पड़ेगा एक्सटर्नल, उसके बाद इंटरनल आपका ऐड होगा तब जाके सीजीपीए बनेगा। अब यूजी सीएफ का रिजल्ट में कुछ चेंज कर दे तो माइट भी हो सकता है, बट डोंट वरी सबको सेमेस्टर वन में मेरे हिसाब से पेपर सही गया है, स्टैट्स में थोड़ा मोड़ा डाउट मुझे लग रहा है किसी किसी बच्चों के साथ, तो कोई बुरी बात नहीं आप उसका इम्प्रूवमेंट दे सकते हो बाद में। यस सर, और कुछ? सर यस संकेत। सर जैसे इम्प्रूवमेंट देते हैं थर्ड सेमेस्टर में, तो सर वो फाइनल मार्कशीट में भी शो होगी जब नहीं बैचलर बिल्कुल नहीं होगी, की? बिल्कुल नहीं होगी, जैसे आप इम्प्रूवमेंट देते हो आपका मार्क्स बढ़ेगा, काम बस खत्म, आपके मार्कशीट में कुछ नहीं लिखा होगा कि आपने इम्प्रूवमेंट दिया है, आपको ईआर आया है, आपको बैक आया, कुछ नहीं। जैसे लेट सपोज सेमेस्टर वन में ना ना हो ऐसा, बट एक बार लेट कर लेते कि स्टैट्स में आपको बैक आ गया, ईआर आ गया, और सेमेस्टर थर्ड में आपने दोबारा से सेमेस्टर वन वाले पेपर को दिया और आप यहाँ पास हो जाओगे, तो आपका नया रिजल्ट बनेगा, पुराने से कोई लेना देना नहीं है और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि आपको बैक दिया आया था कभी। सर लेकिन अगर हमारे सेमेस्टर वाइज वो लोग देखेंगे तो पता चल नहीं जाएगा ना? ना, क्योंकि पेपर जब आपका रिजल्ट आता है सब बन के आता है, जैसे इस बार आपका रिजल्ट आएगा ना वो 7 पेपर का आएगा,
ठीक है, यस यस सात सर, पेपर का नंबर लिखा रहेगा ऐसा। अब जब सेमेस्टर थर्ड पे आप आओगे, लेट अस सपोज सेमेस्टर टू में भी सात पेपर था और सेमेस्टर टू का पेपर आपने क्लियर कर लिया, और सेमेस्टर वन का पेपर एक चौथा पेपर था जिसमें आपको ईआर लगा हुआ है, ठीक है। सेमेस्टर टू का जब रिजल्ट निकलेगा उसमें तो ये ईआर दिखेगा, बट जैसे ही सेमेस्टर थर्ड का रिजल्ट निकलेगा, जैसे जैसे सेमेस्टर आप आगे बढ़ते जाओगे आपका पिछला रिजल्ट कैंसिल होता जाएगा। सेमेस्टर थर्ड का भी निकलेगा तो फिर से ये टोटल निकलेगा, सेमेस्टर वन का अलग, टू का अलग, थ्री का अलग, और जैसे सेमेस्टर वन का आपने फोर्थ वाला पेपर दे दिया है और इसमें अच्छा आपने कर लिया है तो ये ईआर आप रिमूव हो जाएगा और आपके रिजल्ट में कहीं भी कुछ लिखा नहीं रहेगा कि आपको ईआर आया था क्या आया था, आपके सर बस टोटल। हाँ बताओ। अगर हम इंटर्नशिप्स करते हैं या फिर किसी कंपनी में प्लेसमेंट सीख करते हैं तो वो लोग हमारे ऐसे ईयर वाइज देखते हैं, जैसे वो ऐसे देखते हैं कि सेमेस्टर टू का लेकर आओ, फिर उसके बाद सेमेस्टर फोर का नहीं नहीं मार्क्स। ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं आपका एक सिंपल मार्कशीट मांगेगा, तो मार्कशीट जैसे लेटर सेमेस्टर थ्री का जो मार्कशीट आपके पास निकलेगा इसमें हाँ जी सेमेस्टर वन टू एंड थ्री तीनों कंबाइन करके लिखा होगा, सर, गॉट इट। वो अच्छा अलग अलग ठीक से है कुछ नहीं मांगा, ठीक है। सर, लेकिन अगर जैसे सेकेंड ईयर के बाद इंटर्नशिप करते तो फिर दिखेगा ना। हाँ तो दिखेगा, अब ये सेकेंड ईयर के साथ ही आप इंटर्नशिप करते हो और उस टाइम तक आपके रिजल्ट पे ईआर शो हो रहा है, तब तो दिखेगा मेरे हिसाब से, तब तो दिखेगा। सर वैसे इंटर्नशिप में फर्क पड़ता है, लेकिन मिलती नहीं है ना आई गेस। देखो एक्चुअली नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूजी लेवल पे तो बिल्कुल नहीं पड़ता। वैसे भी माय सजेशन ये है कि आप सेमेस्टर टू के बाद इंटर्नशिप करो, या सेमेस्टर टू में कुछ कर सकते हो तो कर लेना, सॉरी सेमेस्टर टू का चाहूँ सेकेंड ईयर के बाद करो, क्योंकि आपका रिजल्ट सबसे मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, मैं अभी डीएससी में हूँ लास्ट ईयर में, और इस साल मई में मेरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा यहाँ से पूरा बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इस साल देखो क्या होता है बेसिकली, जितने भी कंपनी हमारे कॉलेज में आई हुई है, ठीक है, उस कंपनी ने जो सीवी सेलेक्ट किया है वो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे किया हुआ है। सबसे पहले आपका सीवी सिलेक्ट होता है, फाइनल प्लेसमेंट की मैं बात करूँ, ये छोटे मोटे इंटर्नशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, सब बड़े बड़े कंपनी जो कॉर्पोरेटिव है, जेपी मॉर्गन, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सब आएगी, तो वो आपके ना पहले मार्क्स देखेगी, और इससे आपका पहले सीवी सिलेक्ट होता है, शॉर्ट लिस्ट हो गया, और उसके बाद जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना तब जाके देखा जाता है कि आपने क्या किया। और टू बी ऑनेस्ट किसी भी कंपनी को किसी भी स्टूडेंट से उसके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर आप कॉलेज से कोई कंपनी आती है लेने के लिए आपको, तो कंपनी पहले से जानती होगी आप फ्रेशर हो, आपके पास जरूरी नहीं कि आपसे वो वर्क एक्सपीरियंस जाने, वो बस ये देखेगी कि आप अपने फील्ड में कितना अच्छे से काम कर पा रहे हो। और ये सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले बच्चों के लिए होता है, बीकॉम वालों के लिए नहीं, जो बीकॉम ऑनर्स के हैं, जो बाकी कोर्स के हैं उसके लिए अदर एक्टिविटी करना जरूरी है, बट इको ओनर्स के लिए सिंस आपका जो जॉब होता है वो पब्लिक सिविल जॉब नहीं होता, आपका जॉब बैकवर्ड जॉब होता है, आप एक अलग से अंदर से कंपनी में पॉलिसी बनाते हो या अलग तरीके से करते हो, तो वहां पे कंपनी को ये जानना है कि आपको आपका सिलेबस कितना आता है, आप बाहर कितना कर रहे हो, वो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं इस साल अपने टीएससी का बात में ये बता रहा हूँ, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास नॉलेज बहुत है, बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, लेकिन सिंस उनका मार्क्स अच्छा नहीं था तो उनका सीवी सिलेक्ट नहीं हुआ और उनको अभी तक जॉब भी नहीं मिला। फेज वन खत्म हो चुका है, फेज टू वैसे अब स्टार्ट होगा, माइट भी हो, जॉब तो हालांकि सबको हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, बट मैं एक सिनेरियो आपको बता रहा हूँ, तो आप अपने सर क्या ऐसा मत एवरेज करना। पैकेज रहता है सर बोलने क्या में, संकेत बताओ, सर क्या एवरेज पैकेज रहता है, मतलब एमएमए डीएससी का एवरेज पैकेज है 17 लाख। इस साल का जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वैसे अब रिलेटिव डिस्क्लोज नहीं करूंगा, हाईएस्ट गया है 35 एंड अभी तक जो लोएस्ट आई हुई है वो 40, ऑन एन एवरेज बच्चों को 20 लाख पे मिला हुआ है, नहीं आंसर। 35 प्लेसमेंट किसी एक को मिलता है, परसेंटेज 100% होती है ना डीएससी की? लास्ट ईयर 100% थी, उससे पहले भी 100% थी, इस साल का 100% नहीं होगी। अच्छा सर, तो जैसे ये परसेंटेज ऐसे देखते हैं, लाइक अगर कोई विलिंग ही नहीं है प्लेसमेंट के लिए तो उसको इंक्लूड करते हैं या एक्सक्लूड कर देते हैं? नहीं उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, अगर मतलब आप प्लेसमेंट में नहीं बैठना चाहते, कहने का मतलब ये है ना, हाँ, ये मत। हाँ तो फिर आप अप्लाई नहीं करोगे ना आपका, तो फिर अच्छा एप्लीकेशन जाएगा नहीं कंपनी के पास, समझ गए सर। वो पहले से सब कुछ बन जाता है। जैसे अभी आप यूजी में हो ना, तो अभी यहाँ पे आप जिस भी कॉलेज में हो तो वहाँ पे आपको इस तरीके से नहीं दिख रहा होगा, ज्यादा प्लेसमेंट वालों का शोर नहीं दिख रहा होगा, कुछ कुछ कॉलेज है जैसे एसआरसीसी, एलएसआर, इन सब में माइटी भी अभी आप ऐड हो चुके होंगे ग्रुप वगैरह में, बट जैसे आप डीएससी में आओगे ना तो सेमेस्टर वन के क्लास के साथ साथ ही आपका प्लेसमेंट का कहानी भी स्टार्ट हो जाता है, हर चीज आपको लगने लगता है कि हाँ आप यहाँ से जॉब मिलने का चांसेस है, अच्छा। ठीक है। और किसी कुछ पूछना है? नहीं बन